All right, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यू एक्सेल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड आई एम दी फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर है एट यू एक्सेल। और बिफोर वी कंटिन्यू आर ऑनलाइन एंड फिजिकल ऑन कैंपस डेमोन्स्ट्रेशन, काइंडली कंफर्म कर दें कि आपको आवाज आ रही है मेरी। All right, so physical audience can already hear. Kindly, जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है वो भी चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें। All right, that's great. Thank you so much, Shiraz, Kashif, and Mohammad Asim, and many other participants who are confirming कि मेरी आवाज आ रही है आप सबको। And इसके साथ साथ प्लीज ये भी कंफर्म कर दें कि जो स्क्रीन है वो विजिबल है ऑलरेडी, स्क्रीन विजिबल है। एंड ऑनलाइन ऑडियंस प्लीज कंफर्म कर दें कि स्क्रीन विजिबल है आप सबको, प्लीज कंफर्म कर। All right, that's great. Thank you so much once again for confirming. और हम अपना जो है वो ओरिएंटेशन अब जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट कर लेते हैं। Once again, a very warm welcome at UXL Training Platform, जिसके रिसर्च पार्टनर है Knowledge Tower. मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है और आज हम एडवांस्ड एमएस एक्सेल की ओरिएंटेशन को अटेंड करेंगे और इसमें जानेंगे कि ये ट्रेनिंग आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकती है आपके करियर में और आपकी इनकम को भी ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। और सिर्फ इनकम नहीं, लेकिन इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअली, लाइक आप जब नई चीज सीखते हैं तो आपका माइंड ग्रो होता है, आपको नई नई चीजें करने का मौका मिलता है। मुझे भी रिसेंटली याद है कि हमारी पिछली ट्रेनिंग में एक पार्टिसिपेंट आए थे, फीमेल थी पार्टिसिपेंट, और वो एक बहुत ही मेजर एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी एडमिन सर्विसेज में। और एडमिन सर्विसेज में काम करते हुए उन्होंने हमारे दो सेशंस अटेंड किए थे और उसके बाद तीसरे सेशन में मैं उनके साथ फीडबैक ले रहा था एक, तो उन्होंने कहा कि सर मैं काम तो कर रही थी लेकिन विद इन टू सेशंस जो मैंने अटेंड किए और मैं अब थर्ड अटेंड कर रही हूँ, मेरा काम करने का जो अप्रोच है उस अप्रोच में चेंज आ गई है। एंड दैट देयर यू गो, यही तो वो चीज है जिसकी तरफ हम ट्रेनिंग में जाते हैं कि हमें अप्रोच, बाजू का हम काम कर रहे होते लेकिन अप्रोच प्रोफेशनल नहीं होती या उसमें शॉर्टकट्स अप्लाइड नहीं होते, आप लंबा रास्ता ले रहे होते हैं जबकि ट्रेनिंग से आपको शॉर्टर रूट बताया जाता है कि ये शॉर्टर रूट एंड स्मार्टर वे है ऑफ डूइंग द थिंग्स। सो लेट्स कम टू द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो प्रोफेशनल यूज ऑफ एम एस एक्सेल इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एम एस एक्सेल। फर्दर वील बी डिस्कसिंग अबाउट कि ये एक ऐसा स्किल है जो हर प्रोफेशनल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एच आर की डोमेन से हो, चाहे फाइनेंस की डोमेन से हो, चाहे एडमिन की डोमेन से हो। इवन मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान हो गया, ये तकरीबन 3 महीने पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास एक डॉक्टर की कॉल आई जो अपनी क्लिनिक को मैनेज करती है। वो कहती है कि वो पेशेंट्स का मेरे साथ डेटा जो है वो सारा अनऑर्गेनाइज हुआ हुआ है एंड मैं अपने पेशेंट्स का ट्रैक नहीं रख सकती, तो आई वॉन्ट कि मैं एक्सेल की ट्रेनिंग लेके अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करूं। तो आई देयर यू गो, इवन डॉक्टर्स जो है वो जिनका काम एक्चुअली मरीज का वॉट एवर यू नो इलाज वो सब चीजें करना है, लेकिन वो अपना जाहिर है जो प्रोफेशनल काम है वो चल रहा है लेकिन एक्सेल उसमें काफी ज्यादा हेल्पिंग हैड हो जाती है, राइट? तो इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि ये एक्सेल सीखने के बाद क्या क्या करियर पाथ्स हैं जो आप ले सकते हैं। वैसे तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन हम करियर पाथ्स को भी डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रोग्राम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअल मीट है, द रियल मीट विद इन द होल बॉडी। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हमने अगर अप्लाई की तो हमारे काम को फास्ट हो सकता है, तो उन टिप्स एंड ट्रिक्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे UXL प्लेटफॉर्म को जहां पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये UXL कहां से रजिस्टर्ड है, UXL के सर्टिफिकेट्स कहां से मिलते हैं, क्या ये ऑथेंटिकेटेड लीगली रजिस्टर्ड है भी या नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम जानना चाह रहे हैं उस इदारे की जिस इदारे से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इदारे के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम इसके साथ साथ ट्रेनर की प्रोफाइल को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको ट्रेनर इस ट्रेनिंग में लीड कर रहे होंगे, उनकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए रखा है एंड आई वंस अगेन वार्मली वेलकम यू कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आज ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल संडे मॉर्निंग आप जो है वो आज आए हैं, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि संडे के दिन एक ही दिन होता है फैमिली का और उसमें इस चीज के लिए टाइम निकाल लेना, अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि आप अपना टाइम कीमती निकाल के आए तो उसको हम एक अच्छा रिटर्न दें, आपका मतलब टाइम जाया ना हो। तो इंशाल्लाह ताला ये सवाल इस डेमो की एंड में मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि क्या आपको महसूस हुआ कि यार आने के बाद मेरा टाइम यूज हुआ है या नहीं, यार ये तो टाइम बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया, मैं इससे अच्छा तो मैं सो ही जाता,
नींद कम से कम अच्छी हो जाती, राइट? तो इंशाल्लाह ताला हमारी हमारी जो है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि इस डेमो के थ्रू आपका टाइम यूजफुल हो और आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिले। नाउ लेट अस प्रोसीड विद दी ग्लांस ऑफ प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूज। यहाँ पे जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि एक्सक्यूज मी कि आज का जो दौर है वो डेटा का है। जहां पे 19th में और 80s में ये बोलते थे कि ऑयल इज द गोल्ड, जिस कंट्री के पास ऑयल है वही कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब है, ऑयल को गोल्ड कहा जाता था। अब ये बोला जाता है कि द डेटा इज गोल्ड। जिस कंट्री के पास डेटा है, जिस कंपनी के पास डेटा है, जिस इंडिविजुअल के पास डेटा है, वो न्यू गोल्ड है। इट्स अ न्यू गोल्ड ऑल टुगेदर, बिकॉज उस डेटा को फिर आप यूटिलाइज करके न्यू एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का इम्पोर्टेंट एक एडवांटेज ये है कि जब आप एक्सेल की ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उस डेटा को स्टोर करना और उस डेटा में से मीनिंगफुल एनालिसिस करना और उसमें से डैशबोर्ड बनाना, चार्ट बनाना और उसको जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉर्ट करना, ये सारा एक्सेल के थ्रू हो रहा होता है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ये एक्सेल एक ऐसा टूल है जो यूजर फ्रेंडली टूल है, जिसमें कोई भी काम कर सकता है इजीली, जिसके पास बेसिक कंप्यूटर के स्किल्स हो वो भी इस एक्सेल में काम करके अपनी जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ जैसे कि दुनिया आगे बढ़ रही है तो एक्सेल में भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ गए हैं जिसमें आप जो है वो बहुत सारी एक्सेल में जगह सोर्सेस से डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी में अगर कोई ईआरपी इन्वॉल्व है, ईआरपी मींस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, या आपके पास कोई ऐसा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आपके पास डेटा आता है, तो एक्सेल के पास वो कैपेबिलिटी है कि आप मल्टीपल सोर्सेस से डेटा को गैदर कर सकते हैं और एक पेज पर लेकर आके फिर उसको क्लीन करके फिर आप आगे एनालाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस ट्रेनिंग में ये सीखेंगे कि कैसे डेटा गैदर किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं बहुत ज्यादा अमेज हो गया जब एक्सेल को हम मैंने कनेक्ट किया वेबसाइट के साथ, और वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट्स की डेटा लिखी हुई है, लाइव प्रोडक्ट्स की डेटा जो अपडेट हो रही है, वही डेटा वेबसाइट वाली एक्सेल में भी रिप्रेजेंट कर रही है। ये कैसे हो रहा है? आपने कैसे उसमें लिंक्स अपडेट किए वेबसाइट के यूआरएल, कि वो यूआरएल जो अपडेट होता है वो एक्सेल में भी शो कर देता है। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो मकसद कहने का यह है कि एक्सेल में ये बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन उन कैपेबिलिटीज का हमें या तो पता है, कम पता है, या तो पता ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम इस चीज को सीखेंगे कि कैसे आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा गैदर कर सकते हैं और फिर शेयर कर सकते हैं आप अपने कॉलीग के साथ या टीम मेंबर के साथ। इसको फिर कवर करेंगे। और इसके साथ साथ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली आपके पास कोई भी अगर डेटा आता है तो उसको आप रोज एंड कॉलम्स में कैसे ऑर्गेनाइज करके और उसको फिर आप एफिशिएंटली जो है वो उसमें कुछ फॉर्मूलाज ऐसे लगते हैं जिससे इस डेटा को आप क्लीन करते हैं। मिसाल लिख देता हूं मैं आपको, बिल्कुल छोटा सा। हमारे पास एक जो है वो ऑपरेशंस में एचआर ऑपरेशंस में असिस्टेंट हैं और उनके पास इम्प्लॉइज का डेटा आता है। अब वो इम्प्लॉइज का जो डेटा आता है उसमें एनआईसी नंबर, नाम, फादर नेम, ये सारी डेटा आती है। अब एनआईसी नंबर में आपको पता है कि एनआईसी नंबर या डैश के साथ लिखा जाता है या बगैर डैश के लिखा जाता है, ऐसा ही है, राइट? एनआईसी या बगैर डैश के होता है या डैश के साथ, मतलब एक कंफ्यूजन होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। अब आपके पास अगर ऐसा डेटा आ गया जिसमें एनआईसी डैश के साथ भी है और बगैर डैश के भी है, मतलब स्टैंडर्ड डेटा नहीं बना हुआ, थोड़ा सा बिखरा हुआ है, राइट? आप क्या ऐसा फॉर्मूला या क्या ऐसी ऑटोमेशन लेकर आ सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे आ जाए और वो एक ही पैटर्न हो, या डैश वाला हो या बगैर डैश हो, राइट? क्योंकि जो डेटा आपके पास आ रहा है उसके ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो रॉ डेटा आता है, कहीं से भी आ जाता है, लेकिन आपको आगे प्रोसेस करके जिस तरीके से प्रेजेंट करना है वो आपके कंट्रोल में है। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आप अगर सोर्स डेटा को ही स्टैंडर्ड कर दें, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाजू का ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो फिर एट दैट टाइम क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे हम इन टेक्निक्स को कवर करेंगे, फिर हम फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को कवर करेंगे जो कि आपको जो है वो कैलकुलेशन में इजीनेस लेकर आए। मिसाल के तौर पे कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इंडेक्स मैच का सुना है पहले? इंडेक्स मैच आपने सुना है?
जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कितनों ने इंटेक्स मैच का पहले सुना है? इंटेक्स मैच, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, या फिर आप चैट बॉक्स में भी कंफर्म कर सकते हैं। ओके ऑल राइट, नूर फातमा ने सुना है, नहीं नूर फातमा ने नहीं सुना जी, ये वो तो उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग का शायद कंफर्म किया था। किसने सुना है इंटेक्स मैच का सबसे पहले? पहले इंटेक्स मैच का कभी किसी ने सुना है? कोई मे बी एनीवन हु कैन रेज द हैंड और मे बी जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स। ओके शिराज अशरफ ने पहले हर्ड, ही हैज हर्ड अबाउट इट। जी शिराज अशरफ, आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं ये इंडेक्स मैच क्या होता है? थोड़ा सा गाइड कर दें अगर, या आपको बस आइडिया है लेकिन आपने कभी अप्लाई नहीं किया। जी शिराज अहमद, जी शिराज अहमद, जी शिराज अहमद, एनी फीडबैक दैट यू वुड लाइक टू अस्सलाम गिव प्लीज? वालेकुम जी सर, ये इंडेक्स मैच जो है ये किसी भी टेबुलर जो आप टेबल्स होता है उसमें डाटा को अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू से मैच करवाना होता है तो ये उसके लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इसको इनपुट दिया कि मुझे इस वैल्यू के अगेंस्ट ये वाली वैल्यू कर दे तो ये मैच करके वो ना आपको प्रेजेंट कर देता है। अमेजिंग। और ये फॉर्मूला नॉर्मली किसकी रिप्लेसमेंट है? कौन सा फॉर्मूला है जिसकी रिप्लेसमेंट ये फॉर्मूला बड़ी अच्छी है? आई थिंक सो सर, ये वीलुकअप की तरह ही थोड़ा सा काम करता अमेजिंग। देखें आप सबने जवाब तो नहीं दिए लेकिन एटलीस्ट शिराज के लिए तालियां तो बजा रहे। कमाल, कमान, मैं बाकी भी ऑनलाइन ऑडियंस की तालियां तो सुन लूं या कम से कम इमोजी देख लूं, कुछ तो करूं। शिराज को इनकरेजमेंट चाहिए भाई, कमान। सिर्फ एक ताली आई है मेरे पास अभी तक, ये तो बहुत गलत हो गया, ये ना इंसाफी है। कमान, इतनी देखिए, ये गलत बात है। एटलीस्ट चैट बॉक्स में लिख लें कम से कम की क्लैपिंग। चले, थैंक यू सो मच शिराज फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड यू आर स्पॉट ऑन। यू करेक्टली आंसर द क्वेश्चन कि इंडेक्स मैच एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि वी लुकअप की रिप्लेसमेंट एक अच्छी तरीके से कर लेता है, और इंडेक्स मैच में आप जो है वो बहुत सारी डेटा को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, क्या इसके एग्जाम्पल्स है, वो इंशाल्लाह ताला हम ट्रेनिंग में कवर करेंगे। अभी तो ऐसा एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा था आप सबसे। तो मिसाल के तौर पे जैसे ये बिल्कुल वही चीज है जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कुछ लोगों को वी लुकअप का पता था लेकिन इंडेक्स मैच की अप्रोच ही नहीं पता थी। सिर्फ एक शिराज ने क्वेश्चन हैंड रेज किया, बाकी सबको मैं तो यही अज्यूम करूंगा अगर जवाब नहीं था तो इसीलिए रेज हैंड नहीं किया, राइट? तो मकसद कहने का ये कि ट्रेनिंग में आने के बाद अब आपके पास इंडेक्स मैच आ जाएगा, तो सबसे बड़ा जो आपका एक चेंज आएगा आपके अंदर वो होगा आपका कॉन्फिडेंस। बिकॉज बाज़ों का हमें जब चीजें नहीं पता होती तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर्ड होता है। जब हमारी ट्रेनिंग होती है और हमारे पास एक मेंटोर है जो कि हमें गाइड कर रहा है, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है आपके काम करने में एतमाद, राइट? और वही आपकी पहली कामयाबी की सीढ़ी है कि आपके अंदर एतमाद आ जाएगा जब आप काम करना शुरू करेंगे। बिकॉज आपको पता है कि हाँ यार, ये मैंने सीखा हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, प्रैक्टिस की ली है, और अगर मैं फंस रहा हूं या मुझसे कोई गलती हो रही है तो एटलीस्ट मेरे पीछे मेरे मेंटोर हैं जो कि मुझे गाइड कर सकते हैं, राइट? वरना क्या मैं यूट्यूब पे जाऊं, क्या मैं जो है वो गूगल पे जाऊं, क्या यूट्यूब मेरे मसले का जवाब दे देगी? पार्शली दे देगी, पार्शली नहीं भी देगी, क्योंकि यूट्यूब में जो एग्जाम्पल होगा वो मेरे साथ शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, वो कस्टमाइज नहीं होगा। बिल्कुल हमारे पार्टनर ने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा कि वो जो एग्जाम्पल होगा यूट्यूब का वो कस्टमाइज मेरी सिचुएशन से नहीं होगा। मेरे पास एनए आ रहा है, और मैं उस एनए को कैसे रिजोल्व कर रहा हूँ, वो कैसे समझाऊं यूट्यूब को कि ये एरर आ रहा है, इसको एरर को रिजोल्व करना है मुझे। मुझे मेंटोर चाहिए जो मुझे गाइड करेगा और उस मसले से मुझे निकालेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा मेंटोर नॉन जजमेंटल होगा। हमारे पास बाजों का काम करने के दौरान, या हम इवन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो बाजू का कुछ हमारे कोलिग्स कहना नहीं चाहिए लेकिन बाजू का एक जजमेंट क्रिएट हो रही होती है कि यार इसको ये भी नहीं आता, या ये क्यों नहीं आ रहा इसको, या इसके लिए तो ये तो इसका काम ही था, अपॉइंट ही इस काम के लिए हुआ है, तो इसको ये क्यों नहीं आ रहा। तो आपका जो मेंटोर है वो नॉन जजमेंटल तरीके से आपको गाइड करता है, जिसमें आपको वो जज नहीं करता, बस सीखते हैं आप, राइट? अच्छा, इसके साथ साथ जो है फर्दर हम डिस्कस करते हैं और भी फीचर्स एंड बेनिफिट्स। डेटा विजुअलाइजेशन आजकल का जो दौर है वो चार्ट्स, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स, इसका दौर है।
आप अगर किसी भी मैनेजमेंट सुपीरियर पोजीशन पे जाएंगे तो सी लेवल पे भी जाएंगे, आप अगर डायरेक्टर लेवल पे जाएंगे, इवन अब तो असिस्टेंट मैनेजर, कहीं भी अगर डेटा है वो डेटा का मीनिंग ड्राइव ही विजुअलाइजेशन के थ्रू होता है। तो हम विजुअलाइजेशन को जो है वो यहाँ पे आपको कवर कराएंगे, क्योंकि हमारे तो ट्रेनिंग का नाम ये है, एक्सेल डेटा विजुअलाइजेशन विद बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा विजुअल दोनों को हमने फोकस किया एक्सेल में, राइट। इसके साथ साथ ये एक पावर क्वेरी का फीचर है जिसमें जो है वो ये आपको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग जगहों से डेटा गैदर कर लेता है, और इसको भी हम कवर करेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास कहीं से भी आप बिल्कुल एग्जैक्टली कहीं से भी आप अगर आउटसोर्स कर रहे हैं डेटा को तो वो पावर क्वेरी के थ्रू आप आउटसोर्स कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास जो अभी डेमो में पार्टिसिपेंट्स हों उन्होंने ये शायद लव्स पहली दफा सुना हो, लेकिन यही तो वो मकसद है कि हम आए और नए नए लफ्जों को सीखें, नई नई टर्मिनोलॉजी को सीखें और फिर सीखने के बाद अप्लाई भी करें, जो कि इस ट्रेनिंग में इंशाल्लाह ताला हम आगे चल के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू अप्लाई भी कर रहे होंगे। पावर पिविट है, पिविट टेबल्स का बहुत सारों ने सुना होगा, लेकिन पावर पिविट पिविट से एक नेक्स्ट लेवल की चीज है, तो उसको भी हम कवर करेंगे और डिटेल में प्रैक्टिस के साथ कवर करेंगे, ताकि आपका पावर पिविट के बारे में जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डैशबोर्ड्स का तो आपने सुना होगा, लेकिन आपने शायद पावर डैशबोर्ड्स का नहीं सुना होगा। अब ये पावर डैशबोर्ड्स क्या है? पावर डैशबोर्ड्स पावर पावर पिविट से लिंक होके जो डैशबोर्ड्स बनते हैं उनको फिर पावर डैशबोर्ड, और वो हाईली ऑटोमेटेड डैशबोर्ड होते हैं। उसमें मतलब आपने कोई भी चीज को क्लिक की तो वो पीछे डेटा से कनेक्टेड होगा और वो आपको डैशबोर्ड अपडेट करके दे रहा होगा। तो हम पावर डैशबोर्ड्स को भी इसमें कवर करेंगे, जिसमें आप जो है वो एडवांस लेवल के डैशबोर्ड्स बना रहे होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, मैं इसका जवाब दे सकता हूं आपको, लेकिन आई लीव दैट जवाब फॉर द ट्रेनर, क्योंकि वो आपको जिस लैंग्वेज में देंगे ऑब्वियसली ही विल कम इन, तो उस वक्त आपको जो है वो करेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से बताएंगे वो जाहिर है उनका वो एक है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड विद के व्हाई लर्न एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्यों सीखी जाए, क्या रीजन है कि सर मैं एमएस एक्सेल सीखूं, या ये एमएस एक्सेल का सर बहुत एडवांस टूल्स आ गए हैं, अब ये एक्सेल जो है वो इतना नहीं, यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं हैरान हो गया, एक्सेल में पाइथन को इंटीग्रेट किया हुआ है, पाइथन एक लेटेस्ट लैंग्वेज है और पाइथन इज लिंक्ड विद एक्सेल, मतलब आज भी एमएस एक्सेल अपने आप में एक रेलेवेंट टूल है, माइक्रोसॉफ्ट उसमें डेली अपडेट्स कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अगर डेली अपडेट्स कर रहा है विच मींस कि ऑटोमेटिकली वो एडॉप्ट कर रहा है मार्केट की नीड्स को। हाँ, अगर एमएस एक्सेल की अगर आज 2019 वर्जन नहीं आती या एमएस ऑफिस 365 आज नहीं होता, तो फिर मैं कहता कि यार ये तो बहुत पुरानी वर्जन हैं, दैट मीन्स कि कोई अपडेट्स ही नहीं है। अगर अपडेट्स आ रही हैं ये आपके लिए ऑटोमेटिक एक मैसेज है कि एमएस एक्सेल पे काम हो रहा है, विच मीन्स के आज भी वो रेलेवेंट है, और आज भी अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं एमएस एक्सेल तो है ही है। फिर उसके बाद जो भी चीजें होंगी, सॉफ्टवेयर हैं, ऑरेकल है, एसएपी भी है, बहुत सारे उसके सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एक्सेल पे ही आगे जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट एक्सेल बन जाता है आपका। तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न एक्सेल एंड मेक श्योर दैट यू आर अप टू डेट विद द लेटेस्ट स्किल्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड, ताकि फिर आप जो है वो अपनी जो कंपनी है जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर आप कहीं कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, तो जब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आ रही है कि मुझे ये काम चाहिए, तो ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग हुई भी होगी, आप उस काम को कर सकेंगे थ्रू द ट्रेनिंग। पीपल मैनेजमेंट है, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, एचआर है, एडमिन है, ऑपरेशंस है, इवन डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, और इसके अलावा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम्स को मैनेज करना, कोई भी डोमेन आप ले लें, इवन सप्लाई चेन फॉर दैट मैटर, सप्लाई चेन में जो टाइमलाइंस बन रही होती हैं वो सप्लाई चेन की एक्सेल पे ग्राफ्स वगैरह बन रहे होते हैं या वो कनेक्टेड होती हैं, राइट। तो ये कोई भी ऐसी फील्ड है जहाँ पे डेटा का इस्तेमाल होता है, तो उस डेटा के इस्तेमाल में एक्सेल का रोल एक आ जाता है, फिर वो कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन रोल जरूर आएगा एक्सेल का। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक्सेल में जो यूजर्स हैं वो किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं। अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेलकम उदय, हु वुड नाउ कंटिन्यू फ्रॉम हियर द प्रेजेंटेशन, जहाँ पे वो जो एक्सेल के जो
एक्चुअल जो टेक्निकल फीचर्स हैं और जो एक्सेल से रिलेटेड जो ट्रेनिंग आउटलाइन है उसके ऊपर उजैर विल बी कैरिंग यू फर्दर एंड गिविंग यू अ डिटेल्ड ओरिएंटेशन कि इस आउटलाइन में क्या क्या कवर होगा और आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं आउटलाइन से रिलेटेड वो भी उजैर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. कम ऑन तो हाँ जी विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मे आई नाउ वेलकम उजैर टू कंटिन्यू द सेशन एंड इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स अबाउट द रेस्ट ऑफ द आउटलाइन. ऑल द बेस्ट. ओके अस्सलाम वालेकुम. सो दिस इज उज़ैर रशीद बेग करेंटली एसोसिएटेड विद द सिस्टम्स लिमिटेड एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस कंसल्टेंट सिंस मोर देन 5 months एंड रिसेंटली आई हैव जॉइंड फ्रॉम द हिलाल फूड ग्रुप. आई वाज एसोसिएटेड विद द हिलाल फूड ग्रुप इन अ कैपेसिटी ऑफ ग्रुप एसोसिएट मैनेजर वेयर वी आर लुकिंग फॉर द ऑल ऑल द डोमेन्स ऑफ दिस कंपनी इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस इंटेलिजेंस. सो दे हैव द फोर स्पिन ऑफ कंपनी लाइक द हिलाल फूड, हिलाल केयर, Domino's Pizza and the Shalimar Foods. So we are looking for taking all the BI things at here. Secondly, I'm currently associated with the Arthur Lawrence Group. It's a limited liability company, US. I'm working as an advisor, or you can say independent executive consultant for this reporting side as well. And the third one is currently associated with this institute for the training ship. Again, हमारी खुद बीट सेल लर्निंग रहे तमाम चीजों से क्योंकि टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड. और अगर आप ये समझते हैं कि एक चीज़ आपने समझ ली, सीख ली और फिर उसके बाद उसी को ही करते रहे, फिर विच इज़ नॉट द राइट वे. टेक्नोलॉजी में हर महीने अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप पावर बीआई से कनेक्टेड हैं सो एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द पावर बीआई दे गिव द डेली वीकली अपडेट्स इन इट सिस्टम और अब वो मंथली बेसिस पे हो गया. तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ों को अपग्रेड जब होती हैं तो अपने साथ उसको करें, अदरवाइज ऑब्सोलीट हो जाएंगे. और टेक्नोलॉजी वाहिद हल है आगे बढ़ने के लिए. कोविड में सबने देख लिया कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है चीज़ों में टेक्नोलॉजी का. सो दिस इज द थिंग. अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आई हैव कंप्लीट बैचलर्स इन 2015 फ्रॉम द हमदर्द यूनिवर्सिटी एंड 2021 विद द वेरी वेरी मच इनिशियल ऑफ द कोविड टाइम वी आई हैव कंप्लीटेड माई एमबीए फ्रॉम द सीबीएम. सो ये मेरा एजुकेशन साइड का बैकग्राउंड था और प्रोफेशनल साइड मुझे मोर देन 8 ईयर्स हो गए इसी इसमें. डेटा एंट्री के काम से स्टार्ट हुआ था, चीज़ें सीखते सीखते करते, एक्सेल सीखा, ऑन जॉब सीखा, कभी भी समझा कभी भी ट्रेनिंग नहीं ली कि स्पेसिफिक ये ट्रेनिंग जाके पकड़ लेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, यानी कि स्किल इसके अगेंस्ट पे जॉब भी ढूंढेंगे नहीं, जो जॉब मिलती रही वो पर्टिकुलरली सी डोमेन की मिलती रही और फिर उसी में ही चीज़ें सीखी. जब स्टक हुए तो खुद से सोल्यूशन जनरेट किए, R&D किया. तो जब आप कोई इट सेल्फ लाइफ किसी मसले में फंसते हैं और फिर जब उसका R&D करते हैं तो वो जो एक लर्निंग पाथ होता है आपका वो फिर आपको हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखता है कि यार मुझे इस जगह फंसा था तो इसका वे आउट ये. और फिर अगर दो तीन इस तरह के मसले आप खुद खुद हल किए ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और अगर नहीं हल हो तो कॉन्फिडेंस गिरता भी है. सो दिस इज वाइस वर्सा थिंग. ओके सो ये चीज़ें हैं. हम कोर्स के आउटलाइन के बारे में बात करेंगे. जैसे फरहान ने बताया आपको डेटा की जो रिक्वायरमेंट है, देखें अब जितनी भी एप्लीकेशंस हैं चाहे वो पावर प्लेटफॉर्म्स हो, पावर प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट का एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पावर BI आता है, जिसके अंदर पावर एप्स आता है, पावर ऑटोमेट आता है, एक्सेल नहीं आता ठीक है, लेकिन एक्सेल एक वाहिद की है टूल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है चाहे वहाँ सिस्टम लगा हुआ नहीं. जितने भी बड़े आपके सिस्टम हो देखें जब भी उसमें डेटा की माइग्रेशन आती है या डेटा इम्पोर्ट हो रहा होता है या एक्सपोर्ट हो रहा होता है ठीक है, निकाल रहे होते हैं या उसको अपलोड करा रहे होते हैं, तो तमाम चीज़ें या फाइल या फ्रेमवर्क या लॉजिक भी डिज़ाइन जब करनी होती है तो सब कुछ एक्सेल पे होता है. उसके बाद अगर वो एक्सेल पे डुएबल है तो फिर वो जाता है बाकी आपके सिस्टम्स पे. सो इनिशियल लेवल की आप बात करें हर चीज़ पे एक्सेल एक गेटवे है, वो गेटवे आपने कंप्लीट करना है. अब जितने भी फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे जित कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हो सो SAP में एक मॉड्यूल है प्लानिंग का. अब फॉर इंस्टेंस जो बजट के लोग होते हैं जो हर साल न्यू बजटिंग बनाते हैं फाइनेंस के टर्म में या सेल्स के बजट डिजाइन कर रहे होते हैं, टारगेट डिजाइन कर रहे होते हैं, सो वो इट सेल्फ एक्टिविटी एक बहुत रिकरिंग है, यानी कि
हर वक्त वो हो रही होती है, क्योंकि जब वो फेस चल रहा होता है, साल का शुरू हो रहा होता है, भाई हमें इतने परसेंट ग्रोथ देनी है, ठीक है, अब वो आप कर रहे हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से, कर रहे हैं 20% ग्रोथ लाए, लेकिन अगर आपने 20% ग्रोथ तो रख ली फॉरन से अपने माइंड में सोचिए, लेकिन अगर आपने किसी यूनिट अपने प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस को जैसे ही बढ़ाया, आपका मार्केट शेयर गिर गया, आपको मार्केट शेयर में भी ग्रोथ चाहिए, आपको अपने टोटल ऑल टुगेदर सेल्स रेवेन्यू में भी ग्रोथ चाहिए, आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन में भी ग्रोथ चाहिए, तो अल्टीमेटली ग्रोथ चाहिए बाय ऑल एट्रीब्यूट्स। सो उन चीजों को कैसे केटर करें, इसका मतलब क्या हो कि आपने बहुत ट्रायल एंड एरर मेथड करने पड़ेंगे, बहुत बार इस एक्टिविटी को करनी पड़ेगी, तो ये तमाम चीजें किसी सॉफ्टवेयर पे तो आप कर नहीं सकते, ठीक है, यहाँ तक खास तौर पे प्लानिंग का इटसेल्फ जिक्र होता है। सो उसके लिए क्या होता है, एक्सेल एक आपके पास टूल है कि वहां पर आप जितनी भी एडहॉक आपके पास डेटा है उसकी बेस के ऊपर आप चीजों को मेनोवर या मैनिपुलेट करके डेटा को अपनी चीजों को एनालिसिस ड्रॉ या डिजाइन कर सकते हैं। सो एक्सेल की जहां तक बात है, देखें हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में इटसेल्फ यूज हो रहा है। अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक मोर देन 10,000 5,000, लाइक मैं जैसे हिलाल में था, सो वहाँ मार्केटिंग का अपने इटसेल्फ लोग मौजूद थे, जबकि इवनली हम उनको पूरा डिजाइन एक सोल्यूशन बना के दिया हुआ था, चाहे वो पावर बीआई पे हमने अलग दिया हुआ था, हमने सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस अलग दिया हुआ था। जैसे कि आप सेल्फ सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इनोग्रेट लोगों में आ रहा है, फॉर इंस्टेंस आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, आप रेस्टोरेंट गए कि भाई वहाँ क्या लिखा होता है, दिस इज अ सेल्फ सर्विस, काउंटर पे आए अपना चीजें खुद लें और खुद अपने आपको सर्व करें, सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस दिस इज वन ऑफ द थिंग, कि आपको हम एक जगह पे लैंड करा देंगे डेटा, और वहां से हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तो इटसेल्फ क्या होगा, आपको जो अपना एनालिसिस करना खुद से करें उस थ्रू जो हमने डेटा को लैंड करवा के दिया वहां पर। अब जहां आपके पर्टिकुलर सवाल था कि पावर पिवट और पिवट में क्या डिफरेंस है, सो देखिए हम पिवट में आप नॉर्मली सिर्फ एक टेबल को एट ए टाइम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपके पास सेल्स वर्सेस टारगेट है, ठीक है, टारगेट तो आपने साल के महीने के शुरू पर डिजाइन कर लिया, लेकिन सेल विद द पैसेज ऑफ टाइम उतरेगी आपके पास हर महीने हर दिन, जो भी आपका एक बिजनेस का साइक्लिकल टेन्योर हो। सो पावर पिवट हमेशा दो या दो से ज्यादा टेबल्स को आप यूज करने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा होता है। पावर पिवट और पावर क्यूरी विच इज द यानी आप इनकी कनेक्टिविटी कहें तो हर वक्त साथ रहती है। पावर क्यूरी इटसेल्फ एक ऑटोमेशन का काम कर रहा होता है, जिसको आप दूसरे आसान अल्फाजों में ऑटोमेशन कह सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा टेक्निकल में जाते हैं तो फिर आप वहाँ कहते हैं दिस इज ईटीएल टूल। ईटीएल टूल क्या चीज होती है, आपकी एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन लोड, यानी कि आप फॉर इंस्टेंस अगर हमें अपनी मिसाल दूं कि व्हेन आई वाज इन द एफएमसीजी कंपनी, सो वी हैव द टू सिस्टम्स, द फर्स्ट वन द एसएपी फॉर द बी2बी साइड, जहां पर हम सारी प्रोडक्शन करते थे और सारी हमारी सेल्स होती थी डिस्ट्रीब्यूटर की, वो तमाम चीजें वहां पर होती थी एसएपी पे, और द सेकेंडरी सेल्स जो आपकी रिटेल की, क्योंकि जितना भी आपका एफएमसीजी है इन चीजों का हमारा कंट्री रिटेल से ताल्लुक रखती है, हम लोग जाने जाते हैं या इंडिया भी जाना जाता है रिटेल से, सो हमारे रिटेल की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मार्केट है, क्योंकि वी हैव अ ट्रस्ट इश्यूज इन द ई कॉमर्स साइट, ठीक है, जहां पर हम चीजों को फिजिकली सेंस नहीं कर सकते, सो हमारे लिए रिटेल सेक्टर है, सो वी हैव द सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर फॉर द रिटेल साइट। सो अल्टीमेटली हमने इन दोनों सिस्टम्स को एक जगह पे लैंड करवाया वहां का डेटा पे, विच इज कॉल्ड अ सिमेंटिक लेयर। अब ये जहां से कनेक्ट होती है, किस तरह से डेटा आएगा, फॉर इंस्टेंस किसी एक अगर आपको मैं बताऊं, किसी एक सिस्टम में हमारे पास डेट का कॉलम है DDMMYY, दुनिया में हमेशा बहस रहती है डेट की, ठीक है, मैं आपको एक फाइल आपको शेयर करी लेकिन उसकी डेट खराब हो गई आपके पास, क्योंकि वो डेट वो पकड़ी है जो आपके सिस्टम की मौजूद है, ठीक है, सो मैंने आपको एक फॉर्मेट है DDMMYY एक सिस्टम से, दूसरे सिस्टम का है MMDDYY, और एक सिस्टम जो हमने सेल्फ बीच में लिया जनरेट की हुई है वो YYMMDD, सो कैसे दोनों दोनों डेट्स मेरे डेट्स के अंदर अकोमोडेट हो जाए, सो इसको कहते हैं कि कैसे आपने एक्सट्रैक्ट किया, कैसे आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया, और कैसे आपने उसको अंदर उसके लोड किया, ये चीजें ये ईटीएल ये ऑटोमेशन पावर क्यूरी के थ्रू भी होती है। अगर आपने पावर पावर क्यूरी और पावर पिवट कर लिया इटसेल्फ, विच इज द 80-50% और 40% ऑफ द पावर बीआई, नॉर्मली लोग जो कहते हैं कि पावर बी आई विजुअलाइजेशन टूल है, यस इट इज, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस मौजूद है, फॉर द कनेक्टिविटी, फॉर द डेटा वेयर हाउसिंग, फॉर द डेक्सेस, जो नॉर्मली फॉर्मुलेशन आप इफ या एंड इसके लुकअप यूज कर रहे होते हैं, सम इफ यूज कर रहे होते हैं, काउंट इफ यूज करते हैं, पावर बी आई में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, पावर बी आई में इसका कोई
पावर बीआई में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इन चीजों को फिर कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अलग से डिफरेंट फंक्शन है। तो दीज ऑल आर द थिंग। सो गेट बैक टू द एक्सेल, ये तमाम चीजें एक्सेल का पार्ट है। किस वे में कि अगर देखें आप फॉर इंस्टेंस चाहते हैं मैं आगे चीजों को लेके चलूँ, सो आपको एक्सेल मस्ट आना चाहिए, ठीक है, मस्ट आना चाहिए। वी डोंट आपको ये नहीं हम कहेंगे कि लाजमी ये सीखें और इसके बेसिस के ऊपर आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का ना एक प्रीरिक्विजिट होता है। फॉर इंस्टेंस आपको आगे कुछ सीखना है एनालिटिक्स के हवाले से, या अगर मैं आपको अपने ही बताऊं, सो हमने सबसे पहले डेटा एंट्री से काम स्टार्ट किया, लुकअप सीखे करते रहे, उसके बाद पावर बीआई आया, फिर टेबलो आया, फिर एसक्यूएल आया, फिर ऑल द थिंग्स करते 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 एक वे आउट पे पहुंच गए। सो दिस इज द होल ऑफ द थिंग। हर जगह हर इदारे की, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो डिपार्टमेंट हो, हर जगह उसकी यूटिलाइजेशन है और बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि डेटा हर बंदा अपने हिसाब से उसको चेंज कर रहा है, या सॉरी उसको उसके एनालिसिस देखने हैं। सो जितने भी एडवॉक एनालिसिस होते हैं वो तमाम चीजें आपको यहीं पर मौजूद मिलेंगी। सबसे अहम है ऑब्वियसली वी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, बट वी डोंट सर्टिफाइड ऑब्वियसली, क्योंकि जो टूल होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर इंस्टेंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। सो माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ ऑफर करता है आपको बहुत सी सर्टिफिकेशंस, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी जो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, इस टूल का गवर्नेंस बॉडी है इटसेल्फ, उसकी जो सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट उसको भी ऑफर कर रहा होता है, विच इज कॉल्ड द PL 300। और एक होती है MOS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। हमने जो कोर्स कंटेंट कवर किया है वो हमने ज्यादातर इस चीज को मद्देनजर रखा है कि आप अगर फॉर इंस्टेंस आगे जाके MOS की सर्टिफिकेशन लेना चाहें, विच इज कॉल्ड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एक्सेल एक्सपर्ट, तो वो चीजें आपको इस कंटेंट में कवर हो रही होंगी। तमाम चीजें, चाहे वो वॉट इफ एनालिसिस के हवाले से हो, या जितने भी आपके लॉजिकल फंक्शन हो, या जितने भी आपके टेक्स्ट फंक्शन हो, या जितने भी आपके पिवट्स पावर क्यूरी, ये तमाम चीजें हमने इसका पार्ट बनाया ताकि आप अगर बाय डिफॉल्ट उस चीज के लिए भी एलिजिबल हो सके। एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम आपको कुछ सर्टिफाइड या करें, नो, विच इज नॉट द वे, बट यस जो कंटेंट वहां पे जिस किस्म का टेस्ट आता है, जिस किस्म का पेपर आता है, उसमें जो कंटेंट कवर किए जा रहे होते हैं, वी ऑफर्ड इन आर कोर्सेस। एग्जैक्टली बेसिक से ही, क्योंकि हमारे कोर्स जो है वो बेसिक टू एडवांस एंड एडवांस टू इंटरमीडिएट। इसका जवाब ये है कि लाइक हमारे पास जो भी सेशन है मोर देन 1.5 साल से एक्सेल मैं करा रहा हूँ, और यू एक्सेल पिछले 3 सालों से इसको लेगेसी को लेते हुए चल रहा है। सो वी हैव मल्टीपल ऑडियंस, ठीक है, जिसमें अगर आप कहेंगे कस्टमर सेगमेंट या स्टूडेंट सेगमेंटेशन, 3 किस्म की होती है। एक वो जिसको बिल्कुल नहीं आता, जो बहुत इनिशियल लेवल, चाहे वो अपनी एजुकेशन के फेज में, पढ़ाई के उसमें हो, या फिर और एक सेंट्रलाइज एक सेकेंड टीयर हमारे पास होता है कि जो ऑफिस के लोग होते हैं, बट यस दे नो बट दे नॉट द इवन डेप्थ नो, ठीक है, उनको डीपली नहीं पता होता, उनको अपना मकसद की चीजें पता, निपटा देते हैं चीजों को करने में। और एक तीसरी वो लीडरशिप होती है, टेयर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो लीडरशिप रोल के ऊपर होते हैं, कि यस दे डू, उन्होंने अपने जिंदगियों में किया, लेकिन जैसे जैसे अपडेट्स आई, और जाहिर सी बात है आपको सारी जिंदगी काम करना तो है नहीं, काम करवाना है, तो इटसेल्फ अब वो लोग उसके हाथ से ग्रिप निकल गई, तो लोग चाहते हैं कि भाई हम उसे सीखें। क्योंकि जो अगर जो मेरे 8 साल का तजुर्बा है उसमें यही है कि जो नीचे से बंदा ऊपर जाता है उसको लाजमी एक्सेल आता है, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा एक थिंग फाइन थिन फाइन लाइन है कि जिसमें बंदे को पकड़ा भी जा सकता है। तो लोग क्या करते हैं अमूमन इस चीज को, जो बड़ी थर्ड टीयर ऑफ हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, जो विच इज कॉल्ड लीडरशिप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इटसेल्फ, वो लोग यहाँ पर आकर नए टूल्स को, जिसमें अमेंडमेंट्स हुई होती हैं, चेंजेस आई हुई होती हैं, वर्जन में चेंज आए हुए होते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं ताकि वो चीज़ों को परस्त कर सके, ताकि उनकी जब सब ऑर्डिनेट्स उनको जो चीज़ें डिलीवर करते हैं वो उसमें उनको फंसा ना सके, और चैलेंजिंग रोल उनके लिए इटसेल्फ ना हो सके। फॉर दिस इंस्टेंस वी हैव कवर्ड द कितने 9, हमने इसके अंदर प्रोग्राम आउटलाइन के अंदर जो स्नैपशॉट्स आपको दिखाए, मॉड्यूल्स जो कवर किए वो 9 किए, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मैनेज वर्कबुक और पाइथन इन द एक्सेल। अच्छा, मैनेज वर्कबुक का मतलब बहुत ही इजी है, अगर मैं इसको डिटेल में यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को लेके चलूँ। विजिबल
काइंड ऑफ ओके सो मैनेज वर्कबुक इटसेल्फ मतलब क्या है, जितना भी आपको इंटरफेस देखिए जितनी भी आपको इंटरफेस इंटरफेस होना से फेमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब दुनिया में जितनी भी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं वो सब लो कोड्स और नो कोड्स के ऊपर आ गई हैं। लो कोड्स और नो कोड्स का क्या मतलब होता है कि आपने इटसेल्फ कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखना है, ठीक है, उसके जीयूआई से आपको फेमिलियर होना है, और उसके जीयूआई में आपको इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने तमाम चीजों को वहां से रन कर सकें। सो फॉर दैट पर्टिकुलर केस यू मस्ट नो कि जीयूआई होता क्या है, उसके इंटरफेस क्या है, कौन कौन से रिबन्स कस्टमाइज रिबन और टैब्स वहां पे मौजूद है, हर एक का फीचर क्या है, उसका फंक्शन इटसेल्फ क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे चीजें पता है। लेकिन टूल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेल चलाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको अपने बिजनेस की लॉजिक के तहत चलाना विच इज द वन ऑफ द मेन थिंग। ठीक है, मुझे आता है, लेकिन मैं अगर जो मेरा ऑब्स्टेकल आया, जो मुझे रियल टाइम के ऊपर चैलेंज आया, अगर वो उसको मैं हल नहीं कर सका तो मेरे लिए टूल चलाना बेकार है। ठीक है, सो मेरा जो प्रॉब्लम है वो उससे बिजनेस एप्लीकेशन में मैं कैसे उसे रिजोल्व कर सकता, दिस इज वन ऑफ द थिंग। और जितने आपको उसके फ्लेवर्स मिलते रहेंगे आपका इटसेल्फ एक्सपीरियंस उतना बढ़ता रहेगा, ठीक है, विच इज अ वाइस वर्सा, कि जितना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उतना आपको बढ़ता रहेगा। आपको यहाँ 10,000 किस्म की एक एग्जाम्पल्स कराते हैं, लेकिन कोई 11,000 की एग्जाम्पल आपके पास इटसेल्फ आ गई और वो यहाँ कवर नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट किसी ना किसी एंगल से मिलेगा, उसको वो आपके माइंड में होगा, वो रिकॉल करते करते करते, लेकिन अल्टीमेटली चीजें इटसेल्फ कैसे पता चलेंगी आपको, कि जब आपका हैंड्स ऑन होगा, आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अब हम मेरा भी जो कॉन्सेप्ट था फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, यानी कि अगर आप ये समझे कि कंप्यूटर साइंस के हवाले से, तो नहीं, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। स्टार्ट किया, जो भी जॉब मिली ऑब्वियसली मर्द है चलाना है, सब कुछ काम करना है, तो जो चीजें मिलती रही करते रहे करते रहे करते रहे, फिर वो प्रोफेशन ही बन गया। अब वो भी डेली बेस के ऊपर हो गया, फिर लोगों की एग्जाम, कुछ दोस्त लोग होते हैं भाई ये एनालिटिक्स में है, इनसे सवाल करवा लें या हल कर लेंगे सॉल्व कर देंगे, फिर वो एक्सपीरियंस कंसल्टेशन का भी बढ़ता रहा, फिर डिफरेंट एग्जाम्पल लोगों की आती रही, उसको हल करते रहे, तो आपका अल्टीमेटली माइंड खुलता रहा खुलता जाता है, विच इज एक नॉर्मल सी बात है ये। ठीक है, सो हम मैनेज वर्कबुक में ये इंटरफेस को देख रहे होंगे। सेकेंडली यहाँ पर हम सबसे अहम चीज जो देखते हैं वो उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि मैंने अगर एक शीट आपको भेजी, अच्छा एक्सेल में कहीं भी ट्रेस चेंजेस नहीं होती हैं, यानी कि लॉग्स मेंटेन नहीं होते, एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें आपने कोई भी क्लिक किया तो जितने भी क्लिक्स होते हैं आपके वहाँ पे लॉग मेंटेन होता रहता है कि बंदा किस वक्त एंटर हुआ, उसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी एंड ऑल द थिंग, पूरी एक रिपोजिटरी होती है लॉग्स की, एक्सेल में ये सब नहीं होता। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैंने आपको एक शीट भेजी जिसका जो फॉर्मुलेटेड थी, किसी ने फॉर्मूला चेंज कर दिया, सो कैसे इस चीज को प्रिवेंट कर सके ताकि लोग आपका काम खराब ना हुआ, इस चीज़ें खराब ना हो, सो उसके लिए कितनी आप सिक्योरिटी इनबिल्ड कर सके, वो चीज़ों को हम फर्स्ट इसमें मॉड्यूल में देख रहे होंगे। फिर सेकंड में हमारा होता है क्लीनिंग एंड द फॉर्मेट डेटा, यानी कि कितने भी आपके फॉर्मुलेशन है, टेक्स्ट ट्रिम अपर लोअर सर्च कंकेटिनेट, माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसेंटली रिसेंटली ही कहेंगे कुछ फॉर्मुलेशन स्टार्ट किए हैं विच इज कॉल्ड अ वी स्टैक, एच स्टैक, और उसके बाद टू कोल्स टू रोज, ये वो फॉर्म टेक्स्ट जॉइंस, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, ये वो फॉर्मुलेशन है जो अभी बहुत ही रिसेंटली हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल एसक्यूएल है, उसने उससे इंस्पायर होके अपने उन फॉर्मुलेशन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। मार्केट में नॉर्मली लोग उसको नहीं, ऑफिस में भी नॉर्मली यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसकी जो अगर आपके पास इटसेल्फ 365 का एनवायरनमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट 365, अगर पीपल इज फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट ऑफ 365, सो उनको अंदाजा होगा आपको नॉर्मली 2019 के वर्जन में वो फॉर्मुलेशन नहीं मिलेंगी, सो कहाँ से वो फिर, तो पीपल आर वेरी मच रिलक्टेंट, या और इंस्टीट्यूशन आर वेरी मच रिलक्टेंट उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। हमारे पास अपना, जैसे मैं इटसेल्फ 365 लाइसेंस यूज करता हूँ, सो मैं वहाँ पर आपको पूरा पोर्ट्रेट या डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, और मैं आप लोगों को सेल्फ भी हम दे देते हैं कि यार आप लोग खुद करें। उन फॉर्मूले की जो फ्लेक्सिबिलिटी है विच इज डिफरेंट थिंग्स, नॉर्मली लोग इसलिए ऑफर नहीं करते क्योंकि 365 एनवायरमेंट रखते नहीं है, ऑफिस में भी नहीं होते, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे फ्री टूल वो है वर्जन है उसी को लेके चल रहे थे, लेकिन फ्री वर्जन में क्रैक में आपको वो फॉर्मुलेशन नहीं मिलती है, लेकिन बट वी डू मैनेज इंटेग्रिटी। सबसे अहम इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल आता है, अगर फॉर इंस्टेंस मैंने आप लोगों को एक को ड्रॉप डाउन क्रिएट किया, यानी फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि भाई सब अपना अपना मुझे CNIC नंबर शेयर कर देते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक शीट सर्कुलेट करता हूँ, तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डैश के साथ डाल डाल के दे देंगे, 14 डिजिट कर देंगे, कुछ 15 डिजिट कर देंगे, अल्टीमेटली आपके डेटा की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई, सो उस चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकें, हम तमाम चीज़ें मैनेज इंटेग्रिटी में कंप्लीट कर रहे होते हैं।
देख रहे होते हैं, मैनेज फॉर्मुलेशन। अच्छा, मैनेज फॉर्मुलेशन विच इज द मॉड्यूल 4 एंड द मॉड्यूल 5, नॉर्मली इसको 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि इसमें वो फॉर्मुलेशन जो हम बाय ओन कर रहे होते हैं, यानी कि खुद से लिख रहे होते हैं, और वो ही फॉर्मुलेशन किस तरह हम AI के थ्रू कर रहे हो, उन चीजों में हमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो एक बहुत लॉजिकल चीज है। उससे पहले की जितनी भी आपकी बेसिक थी वो सब हम कवर अप कर चुके होते हैं। सो फॉर्मूला लॉजिकल में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जितने भी सम प्रोडक्ट्स हैं, सम इफ्स हैं, यानी इफ लॉजिक इफ्स जितने भी हैं वो सब इसके अंदर कवर होते हो रहे होते हैं। अब नॉर्मली वी लुकअप एंड एच लुकअप भी इसके अंदर कवर हो रहा होता है। अच्छा, वी लुकअप फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कोई फेमिलियर है एक्सेल से जो यूज कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, ओके, मेरे पास एक सवाल है सर आपके लिए। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक शीट है जिसमें 100 कॉलम्स है, ठीक है, मास्टर शीट है जिसमें 100 कॉलम्स है, और मेरे पास ये, और उसमें एक की डली हुई है, यू नो व्हाट इज द प्राइमरी की एंड द यूनिक फॉरेन की। फॉर इंस्टेंस मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में आता हूँ, ठीक है, तो मेरा CNIC क्या होगा, प्राइमरी की होगा। लेकिन अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में 4 बार आता हूँ या एक से ज्यादा बार आता हूँ, तो मेरे कितने एम्प्लॉय कोड्स बने वो मेरी फॉरेन की होगी, यानी कि मेरा इटसेल्फ कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए प्राइमरी की यूज होगी, और मैं कितनी बार आया तो जो मेरे एम्प्लॉय कोड है वो मेरी फॉरेन की होगी। सो आपकी दुनिया के जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, वो इन दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, फॉरेन की एंड प्राइमरी की। वो आपकी शीट को यूनिक बना रहा होता है, उस रो को, पर्टिकुलर रो को यूनिक बना रहा होता है। सो गेट बैक ऑन द मेन क्वेश्चन, मेरे पास एक 100 कॉलम की शीट है, उसमें प्राइमरी की डली हुई है, ठीक है, और एक मेरे पास दूसरी शीट है कस्टम जिसमें मुझे 4 कॉलम चाहिए। अब वो 4 कॉलम मास्टर शीट में लोकेट करते हैं, एक कॉलम से एक 60 कॉलम पर आ रहा है, यानी कि 1 से लेके 60 तक, एक 70 की साइड पर आ रहा है, एक 80 की साइड पर आ रहा है, 90 की साइड पर, यानी कि अल्टीमेटली सीक्वेंस में नहीं है, मुझे 4 ऐसे कॉलम चाहिए जो सीक्वेंस में नहीं है। सो जब मैं वी लुकअप लगाऊंगा अपनी कस्टम शीट में, तो कितनी बार लगाना पड़ेगा मुझे? चार चीज मेरे पास 4 कॉलम्स मुझे चाहिए, ठीक है, अगर आप कॉलम्स को देखें तो ABCD लिखा होता है, रो एंड कॉलम को, ठीक है, रोज आपकी हमेशा 1 2 3 में होती है, कॉलम्स हमेशा उसमें आते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोज कितनी होती है? पर रोज ऐसी नहीं होती, रोज ऐसे होती है, यस, तो रोज अनकाउंटेबल नहीं होती, हर चीज की लिमिट होती है, मोर देन 1 मिलियन, 10.5 लाख रोज तक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑफर कर रहा होता है। और व्हाट अबाउट कॉलम्स? 16,000, 16,000 कॉलम्स होते हैं। सो फॉर इंस्टेंस मेरे पास जो 100 कॉलम्स हैं, वो एक सेकेंड कॉलम है मुझे चाहिए, एक मुझे 10th कॉलम चाहिए, एक मुझे 20th कॉलम चाहिए, एक मुझे 90th कॉलम चाहिए, ठीक है। अब मुझे कितनी बार वी लुकअप लगाऊंगा मैं चारों कॉलम्स को उठाने के लिए? चार आप 4 बार लगाएंगे? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे 4 बार नहीं लगाना, मुझे सिर्फ 1 बार लगाना है, और वो खुद से इटसेल्फ सेंस करे कि कहाँ कहाँ पर कॉलम रखे और वो उठा के लेकर आए, सो उसके लिए वी लुकअप एंड मैच का फॉर्मूला यू होता है। यहाँ पे किसी ने जवाब दिया था इंडेक्स मैच, जी इंडेक्स नहीं, इंडेक्स मैच देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस पता करने के लिए, इंडेक्स मैच और वी लुकअप मैच, वी लुकअप। वी लुकअप वर्टिकल वे में चल रहा होता है और वो सिर्फ लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अगर आपके पास कोई मिसाल के तौर पे कॉलम्स हैं जो आपको एक सर्टेन अमाउंट के बाद चाहिए, यानी सर्टेन कॉलम्स के बाद चाहिए, तो आपको वो लेफ्ट टू राइट ही रन करेगा, लेकिन अगर कुछ कॉलम्स आपको पहले के चाहिए तो वी लुकअप उसको नहीं उठाएगा, नहीं, तो एक्स लुकअप यस यूज होता है, लेकिन फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है आपके वर्जन की। अगर आपके पास 365 वर्जन नहीं होते, 365 वर्जन नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या होता है, इंडेक्स मैच यूज किया जा रहा होता है। सो इंडेक्स मैच लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों की दोनों दोनों पे चल रहा होता है। सो जो मेरा सवाल था वो कैसे हल होगा आपका, कि अगर मैं 1 साल के ऊपर लगाऊं तो वी लुकअप मैच, ऑब्वियसली अभी बहुत एक आपको एक शायद नई चीज लग रही हो, बट यस द पीपल विल डू, और मैंने भी इसी तरह की ट्रेनिंग में वो चीज सीखी और फिर आगे उसे पास ऑन करना शुरू हो गया। सिमिलरली 3D रेफरेंसिंग क्या होती है, जो नॉर्मली सिर्फ सम में की जा रही होती है, वो भी हम यहाँ पे सब कुछ देखेंगे, किस तरह से जो एक काम रूटीन में चल रहा है जिसको 1 से 2 घंटे लग रहे हैं या 2 से 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे हम मॉडलिंग के तौर पे ऑटोमेट कर सकें, बेहतर बना सकें, अपने काम को, वक्त को बचा के दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करके, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। और वो चाहे आपके लिए इटसेल्फ मॉड्यूल 4 से कवर हो रहा हो, चाहे मेरे लिए मॉड्यूल 1 से कवर हो रहा हो, चाहे आपके लिए मॉड्यूल 5 से कवर हो रहा हो,
इटसेल्फ वो तमाम चीजें हम इस नौ मॉड्यूल के अंदर कवर अप कर रहे हैं। वही चीज जो मॉड्यूल फोर में मॉड्यूल फाइव में हम उसको एआई के थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैनेज फोरकास्टिंग, मैनेज फोरकास्टिंग में वी हैव द फोर थिंग्स, द डेटा व्हाट इफ एनालिसिस एंड द सॉल्वर। एंड इफ वी गो द व्हाट इफ एनालिसिस वी हैव द थ्री ऑप्शंस एज वेल। द फर्स्ट वन इज डेटा टेबल्स, गोल सीक। सो ये दो चीजें हैं जो हम उसको वहां पे देख रहे होंगे। और फिर हमारे पास एक आते हैं सॉल्वर। सो ये मैनेज फोरकास्टिंग में यूज हो रहा है। फॉर इंस्टेंस मुझे अगर अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो मैं यूनिट प्राइस को नहीं बढ़ा सकता, ये सर्टेन लेवल तक बढ़ा सकता हूँ। और अगर मेरे पास चार किस्म के प्रोडक्ट हैं और मेरे पास चार प्लांट लगे, तो हर प्लांट की कोई ना कोई मेरी कैपेसिटी होगी, ठीक है, जो 12 महीने पे चल रहा होगा, कोई 8 महीने पे चल रहा होगा, कोई सीजन लेवल के ऊपर चल रहा होगा, ठीक है। सो वो तमाम चीज़ों मुझे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखनी होगी, मुझे उसकी यूनिट प्राइस भी देखनी होगी, मुझे अपना मार्केट शेयर भी देखना होगा। सो इस तरह के कंस्ट्रेंट या कंडीशंस को किस तरह से हम अपने सिस्टम में रख सकते हैं और उसके बाद आंसर्स ले सकते हैं, तो मैनेज फोरकास्टिंग द टूल इज विल हेल्प फॉर यू फॉर दिस थिंग। एक्सेल पावर सिस्टम, वी मेड द जार्गन ऑफ द एक्सेल पावर सिस्टम। एंड वॉट इज द थिंग इज कवर इन बिटवीन, दिस इज द पावर क्यूरी, जितने भी आपके टेबल्स हैं, पिवट टेबल्स एंड पावर पिवट। और उसके बाद अच्छा साथ साथ हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखते रहेंगे कि क्या जो लोग नॉर्मली करते हैं क्या होता है। एक्सेल को माउस से यूज नहीं करना, वी डू इनकरेज द पीपल के माउस यूज ना करें, ठीक है। सो वॉट इज द अनदर वे टू यूज द शॉर्ट कीज। सो वॉट आर द शॉर्ट कीज और कौन सी कितनी तीन किस्म की शॉर्ट कीज होती हैं, एक आपकी फंक्शन कीज होती हैं, एक आपकी ऑल्टरनेटिव कीज होती हैं और एक आपकी अल्फाबेटिकल कीज होती हैं। सो किस तरह से आप उसको यूज करके अपने काम को फास्टली परफॉर्म कर सकें, सो विच इज वन ऑफ द थिंग। उसके बाद डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग, विच इज ऑफ द वेरी मच इन अ लास्ट सेकेंड लास्ट थिंग, जिसमें हम क्या चीज देख रहे होते हैं कि जितनी भी चीजें हमने कवर करी, लॉजिकल फंक्शन, डेटा सिक्योरिटी के हिसाब से, और उसके बाद लुकअप्स, ये तमाम टेबल्स, पिवट टेबल्स, पावर पिवट, इन तमाम चीजों को कवर अप करते हुए डैशबोर्ड किस तरह से क्रिएट हो रहा होगा, वो चीजें हम यहाँ पर आपको करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे लास्ट है पाइथन। अच्छा पाइथन की अगर आप इटसेल्फ बात करते हैं, पाइथन एक लैंग्वेज है, जिस तरह एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, एक्सेल के फॉर्मुलेशन इटसेल्फ एक लैंग्वेज है, वर्डप्रेस, पीएचपी, ये सब लैंग्वेजेस हैं। पाइथन 3 से 4 फंक्शंस के लिए यूटिलाइज हो रही होती हैं, डेटा एनालिटिक्स के लिए हो रही होती हैं, उसके बाद ऑटोमेशन के लिए भी यूज हो रही होती है। सो वी डू कवर ओनली फॉर द एनालिटिक्स पर्पस, नॉट फॉर द ऑटोमेशन, क्योंकि उसमें भी तो चीज़ों को इतना इनक्रेडिट, क्योंकि अभी गालिबन 4 से 5 या मोर देन 6 मंथ हुए हैं, एक्सेल ने इटसेल्फ पाइथन को इसके अंदर इंटीग्रेट किया। सो डेवलपमेंट हो रही है बैकएंड से, जो आपका टूल गवर्नेंस बॉडी है वो उसके अंदर कर रहा है, जैसे चीज़ों को कर रहे हैं वो उसके हम उसको लिखते हुए चल रहे हैं। ओके सो मेन इस पूरी जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन है, उसमें मेन चीजें जो हमने अभी कंटेंट के हिसाब से देखी, वी डू ऑफर द 9 मॉड्यूल इन द 8 सेशंस, ठीक है। और हम अगर स्टूडेंट की विलिंगनेस के ऊपर होता है, अगर देखें बहुत मोटी सी बात है, बंदे का अल्लाह ताला से भी ताल्लुक होगा ना, तो अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड कर देंगे। हर दुनिया में हर चीज़ टू वे, ठीक है, आपकी तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से हमें इंकरेजमेंट मिलती है, इंकरेजमेंट का माइक मतलब कि भाई आपको सीखना है, समझना है। सो हम लोग फिर मजीद भी आपको सेशन कर रहे होते हैं, यानी एक दो सेशन अगर स्टूडेंट चाहता है कि मजीद भी बेहतर तरीके से आप उसको कर लें, कि या एक सेशन ऐसा कर लें कि जिसमें सारी चीज़ें दोबारा से रिव्यू हो रही हो, सो वी डू ऑफर एज वेल, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मकसद क्या है कहने का, कि आपकी तरफ से भी इनपुट 100% हो तो हम फिर कर सकेंगे। क्योंकि मेरा इटसेल्फ एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है कि मैं क्लास में बिल्कुल कोई भी एक सेशन हमारा ऐसे भी रहा कि जिसमें सारे लोग ऑनलाइन थे, और लेकिन उसका फिर मकसद क्या होता है कि आप एक मशीन को पढ़ा रहे हैं, फिर वो फील नहीं होती। क्योंकि हम लोगों ने की जो हमारी नर्सरिंग है, जो हमारे बचपन है, हमने सब कुछ क्लास रूम फन एक्टिविटी हमने देखा है। क्लास रूम फन एक्टिविटी इस एशिया के लोगों के लिए ही है अल्टीमेटली। यस वी हमने हाइब्रिड मॉडल को ऑप्टिमाइज किया, उसको अडॉप्ट किया है, लेकिन हमारा अल्टीमेट आज भी वर्क फ्रॉम ऑफिस ही बहुत ज़्यादा डूएबल होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सॉरी फॉर से डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमको वर्क फ्रॉम होम भी ऑफर नहीं कर रही होती है एट सम टाइम। ये दिस ये लोगों उसकी है, साइकी है एशिया के लोगों की। सो कहने का मकसद है आप लोगों का की रिक्वायरमेंट हमें क्या है, इट्स सेल्फ इंस्टीट्यूट में जो कराची में रहते हैं,
आपको हर दिन तो आना नहीं है, हफ्ते में एक दिन आना है, सो यस डू कम। हफ्ते में एक दिन आ रहे, 3 घंटे आप ही के लिए। मोटिवेशन से बिल्कुल नहीं आ सकते, डिसिप्लिन होगा लाइफ में तो आएंगे कि यार 3 घंटे देने, नहीं भी समझ आ रहा है आना है। वो कहते हैं ना नमाज, नहीं भी समझ आ रही, नहीं ध्यान लग रहा, पढ़नी है मुझे, जरूरी है। जब अगर मगर नहीं हो सकता इसके अंदर, सो विच इज ऑफ द सेम लाइक दिस, यार करना है, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, पहली वीक वन में आए और जब वीक 8 में निकलेंगे कुछ ना कुछ हार सीख के जाता है बंदा। ऐसा नहीं कि आके दीवारों से सर मार रहा है एंड ऑल द थिंग्स। सो वी डू एनकरेज कि आए सीखे, नहीं भी सीख रहे बैठे देखते रहे, कुछ ना कुछ तो होगा, 0 से तो 1 तो होगा, कम से कम 100 नहीं होगा, 1 तो होगा, किसी ना किसी स्टेज पे पहुंच गए आप। और फिर जब 1-2 सेशन में सारा होता है ना यार मैं कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ, तो मैं अपना टाइम क्यों जाया करूँ, सीख ही लूँ, तो फिर बंदा खुद से इटसेल्फ सीख ना खुद से शुरू कर देता है, बोलता है यार मैंने जब इतने अब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, चीजों को देखा है, तो फिर हमें ये चीजें आनी चाहिए। कुछ रिसेंटली डेवलपमेंट हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए की, जिसका मैं आपको कुछ ओवरव्यू देता चले। तो ये हमारी कुछ रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं। लास्ट अभी हमारा बैच 23 चल रहा है, और बैच 22 में हमने एक छोटा सा स्टूडेंट्स के लिए एक डैशबोर्ड ये डिज़ाइन किया है। साथ साथ ये भी कुछ हमारी रिसेंट वर्क्स हैं, रिसेंट चीज़ें डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, सो ये दीज ऑल आर द थिंग्स कि हम यहाँ पे किस तरह से आप 9 मॉड्यूल्स को इन 8 हफ्तों में लेके चलेंगे। हम प्रोजेक्ट भी रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, विच इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ योर सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन जो यहाँ से करेंगे। साथ साथ सबसे पहले तो जब वी वर इन द इनिशियल फेज ऑफ दिस कोर्स, तो हम हर वीक असाइनमेंट रखते थे, बट ऑब्वियसली द पीपल आर द मैरिड और फैमिली होती है एंड ऑल द थिंग्स, सो वी डू, ठीक है, उस चीज़ की भी लिमिटेशन होती है। सो व्हाट वी डू कि हम हर एक इंस्टेंस के ऊपर हमने इसको असाइनमेंट को रख दिया, यानी कि हर 4 सेशन में, टोटल 8 सेशन है, मीन्स आपको 2 असाइनमेंट सबमिट करने हैं, एक वीक 4 पे और एक वीक 8 पे, और फिर आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन करना है। सो दीज 3 थिंग, और चौथी चीज़ आपकी 80% और 100% अटेंडेंस। अटेंडेंस का तो खैर इतना वो परसेंटेज में नहीं बोलते हैं, हम ये कहते हैं लाजमी है, एक सेशन भी गया इसका मतलब आप बीच में से फिर मिस हुआ। और वीडियो इटसेल्फ ऑब्वियसली आपको LMS पे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन एक वो चीज़ क्या इटसेल्फ देखने आके समझे सीखने में वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। यस बहुत से मामला आ जाते हैं, शादी है, कुछ इमरजेंसी हो गई, मेडिकल हो गई, हेल्थ का मसला हो गया, मीटिंग्स कॉल हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, अल्टीमेटली जहाँ से कमा रहे हैं वहाँ को तो छोड़ थोड़ी सकते हैं, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें हम 2 असाइनमेंट्स रखते हैं, एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है, अटेंडेंस मैंडेटरी है, ये चीज़ें कवर अप करेंगे। और कैसे होंगी, हर वीक को जब आप माइलस्टोन अचीव करेंगे खुद ब खुद अचीव हो जाएगा, अलग से आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, फरहान प्लीज कम और फिर मजीद आपको चीजें ये बताऊँ। ऑल राइट, थैंक ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच उजैर फॉर गिविंग अ डिटेल्ड ओरिएंटेशन, एंड आई थिंक थोड़ा सा मुझे तो महसूस हुआ कि डोज थोड़ा हाई हो गया है, क्या ख्याल है? कुछ ज्यादा ही तो टेक्निकल नहीं हो गया था? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल देखें थे, जब तक वो नहीं होगा तब तक जो है वो उसका मजा भी नहीं है ना, राइट जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। हाँ यस इट वॉज गुड। सही रहा आपका ऑनलाइन, जी ऑनलाइन ऑडियंस, थैंक यू सो मच, आपने फीडबैक दिया। हाउ कोई और भी अगर बताना चाहे तो आई वुड लव टू हेयर कि अभी तक आपका कैसा रहा फीडबैक, और व्हाट आर द न्यू थिंग्स जो आपको लगी हैं, क्या मतलब फीडबैक है? जी जी मोहम्मद राशिद खान, ओके सैमसन, जी सैमसन, जी सैमसन।
जी, काफी कुछ मिला इसमें, बहुत अच्छा जी लगा कि नई चीजें सीखने को मिल रही हैं और आगे भी जाके इंशाल्लाह जो है वो नई चीजें मिलेंगी सीखने को और कैरियर बनाने में बड़ी मदद मिल रही है इससे। एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच सैमसन, एंड थैंक यू फॉर रीअश्योरिंग एज वेल, बिकॉज समटाइम्स यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ मैनेज के हम बहुत इतना इजी भी नहीं जा सकते कि इतना इजी चले जाएं कि पार्टनर को लगे यार ये तो बिल्कुल ही बेसिक का काम हो रहा है, लेकिन हम इतना हार्ड भी नहीं हो सकते कि जो हमारी ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं फील करे कि यार ये तो थोड़ा सा आई कैन फील द हीट, वो एक हीट होना शुरू हो जाए ना कि यार ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है जॉब करने के लिए. तो वो हमारे लिए एक जिम्मेदारी होती है कि दोनों के एक बीच में बैलेंस रखना होता है हमें. तो जी जी ये अली फैसन, बहुत बहुत इंटरेक्टिव किस्म का उजैर साहब ने इसको मतलब अभी डेमोस्ट्रेट किया, और हकीकत ये है कि जो नीड ऑफ द मार्केट है वो यही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इससे एक कदम भी पीछे होगा वो अपसलीट हो जाएगा और वो मार्केट में नजर नहीं आएगा। इस वक्त ये चैलेंज असिस्टेंट मैनेजर से लेके डायरेक्टर तक है, यानी डायरेक्टर को भी अगर किसी बोर्ड मीटिंग में कुछ दिखाना है ना तो ही शुड हैव सम यू नो बिल्कुल मीन्स दैट के आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए जो आपको बिल्कुल करेक्ट और सही डाटा दिखा रहा हो। यानी ऐसे डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस मेकिंग होती है, तो बिल्कुल इस बिल्कुल, हवाले से कंपनी बिल्कुल के फैसले हो रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल तो ये इनका बहुत जबरदस्त है कोर्स, बहुत बहुत अच्छा। उन्होंने बताया कि हर 4 सेशन के बाद जो है वो एक आपको आपका एग्जाम होगा या आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, एक फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा। कि अब स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर हैं। बस ये कि हमारे यहाँ ये कि थोड़ा सा जो जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ वो ये कि बहुत सारी चीजें आपको एप्लीकेशन यानी जो जहाँ से ये डाटा आ रहा होता है उसका तो पता होता है, लेकिन हाउ टू एक्सप्रेस दीज ऑल दीज थिंग्स ना, ये नहीं होती। मतलब आप वैसे बता देंगे जबानी कि बिल्कुल ऐसा है ऐसा ऐसा है, लेकिन आप एक्चुअल नहीं बता सकेंगे जब तक आपके सामने एक चार्ट होगा। आप उसको बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करोगे कि ये आपकी सेल्स है, ये टारगेट्स हैं, टारगेट्स आपके मीट नहीं हो रहे। आप उसको बाई वीकली वीकली और डेज पे ले आएंगे और एक ऑर्डर बुकर कितने ला रहा है ना, यानी डे के अंदर बता देंगे कि या इस वक्त आपकी सेल लाइव के ऊपर पावर बीआई के अंदर क्या चल रही है ये तक बता देंगे आप, कि अब तक कितने ऑर्डर्स आ एग्जैक्टली चुके हैं और कितना ऑर्डर आपने प्रिविस करना है, पीछे वेयर हाउस से कितना आपने स्टॉक को मूव करवाना है आगे आउटलेट्स की तरफ। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली नहीं, दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच अली फैसल. सो बात वही आ जाती है कि बाज़ूकात हम बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन उस बात के पीछे जो डेटा है, लाइक डेटा ड्रिवन डिसीजंस, तो वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास एक्चुअल उसकी विजुअलाइजेशन हो, या कोई चार्ट हो, कोई डैशबोर्ड हो, जिसके ऊपर आप मिलके कोई बिजनेस के लिए फायदा उठा सके. लेकिन यहाँ पे हम बस ये रिश्यू करना चाहते हैं टू ऑल द, देखिए हमारे पास दो कैटेगरीज, जैसे कि उजैर ने बताया, कुछ ऐसी हमारे पास ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एक्सेल में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और अब वो अपने आप को मजीद नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है. लेकिन हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एक्सेल में बहुत ही कम काम किया या ना काम करने के बराबर काम किया है, तो उनको भी हम रीअश्योर करना चाहते हैं कि उनको भी जो है वो कहते हैं ना, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू डोंट लैंड फॉर इन टू द मून, यू विल एटलीस्ट लैंड अमंग द स्टार्स. तो वो बात वही है कि बाजू का वो जिन्होंने काम एक्सेल में थोड़ा कम किया है या ना किया है, वो इन चीजों से देख के थोड़ा सा अगर है फील कर रहे हो कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा या बहुत हार्ड है, तो उनको भी हम रियश्योर ये करना चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग के थ्रू एटलीस्ट उनकी जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो एक अच्छी एडवांस लेवल पे चले जाएंगे. और हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास अगर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो तो उनको भी हम साथ में लेकर चले. तो ये जो है वो एक जो है वो अब ये जरा फिर एक ट्रेनर का एक उसमें एक आ जाता है कि वो कैसे सबको लेकर चलता है साथ में, और यहीं पे आपकी एक्सपर्टीज भी आ जाती है कि दिस इज वेयर द एक्सपर्टीज इज, कि सबको साथ कैसे लेकर जाना है और सबकी रिक्वायरमेंट्स को इंडिविजुअल लेवल पे पूरा करना है, राइट. सो विद दैट आई वुड लाइक टू नाउ इंट्रोड्यूस यूएक्सएल प्लेटफॉर्म, जिसके प्लेटफॉर्म पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे होंगे. यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग कंसल्टेंसी एंड फर्म, एंड हमारा जो बुनियादी विजन है कि हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री अकेडमी, मतलब आप जब काम कर रहे होते हैं एक्चुअल जॉब पे, व्हेन यू आर वर्किंग एंड आपको सैलरी मिल रही है, और आप जब पढ़ाई की आपने कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो बाजू का स्किल्स में बहुत कमी होती है. मतलब यूनिवर्सिटी तो आपको पढ़ा देती है, फाउंडेशन क्लियर कर देती है, लेकिन जब आप वर्किंग एनवायरमेंट में जाते हैं तो आपको लगता है ये तो मुख्तलिफ एनवायरमेंट है, यहाँ पे तो मुझे वो चीजें नहीं आ रही जो कि मेरे पास यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ी थी, ये तो उससे मुख्तलिफ माहौल है. तो हमारी जो विजन है इसमें यही है कि वो जो ट्रांजिशन है आपका जॉब में, वो उसको स्मूथ बनाया जाए थ्रू ट्रेनिंग, ताकि आपको ऐसे स्किल्स दिए जाएं ताकि जब आप जॉब पे जाएं
तो आपको थोड़ा सा यकीन ध्यान हो कि हाँ मुझे ये चीजें भी आती है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, राइट। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में काम कर रहे हैं तो काम करते भी अपनी एफिशिएंसी को और भी ज्यादा बढ़ा दें, तो वो तभी बढ़ा सकते हैं जब यूएक्सएल जैसे प्रैक्टिस जहां पे यूएक्सएल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही होती है, तो ऐसे प्रोग्राम्स आप लेंगे तो फिर आपका जो है वो वहां पे काम करना इजी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो विजन है, और इसके साथ साथ वी आर रजिस्टर्ड विद सिट टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी स्टेप्टा। जैसे बहुत सारी पीटीए है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, आप पीटीए जो है वो टेली कम्युनिकेशन को देख रही होती है। इस तरीके से हर किसी इदारे की जो है वो अथॉरिटीज बनाई गई है गवर्नमेंट, तो ट्रेनिंग्स की अथॉरिटी स्टेप्टा बनाई गई जो कि ट्रेनिंग्स की डोमेन को देखती है। तो हम स्टेप्टा से रजिस्टर्ड है, और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रजिस्टर्ड ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से निकलेंगे इंडोर्स, तो आपको ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, विच इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मेजर थिंग फॉर यू कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो क्रेडिबल होगा कहीं भी आप गवर्नमेंट से अगर इंडोर्स करवाना चाहते हैं, कहीं से अगर वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से वेरीफाई हो जाएगा। मेरा नाम मैंने पहले आपको जैसे कि बताया फरहान शाहिद काजी, आई एम दी फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सएल, और मैंने जो है वो अपनी ग्रेजुएशन लंदन में कंप्लीट की है, और दुबई में जो है वो आई वाज वर्किंग एज वेल, सो अप्रोक्सीमेटली 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस मेरा है ऑफ वर्किंग इन लंदन एंड दुबई, जिसमें तकरीबन 5 साल लंदन में है और 5 साल दुबई में है। और मेरा जो लास्ट जॉब पोर्टफोलियो जहाँ पे मैं एक्चुअल सैलरी लेता था वो जो है, क्योंकि अब तो मैं सैलरी नहीं लेता, मेरे पास आई एम द बिजनेस ओनर माई सेल्फ, बट जब मैं सैलरी लेता था तो मेरी जॉब लास्ट थी IBM में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि कंप्यूटर मेकर थे और वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनी ग्लोबल कंपनीज में आ जाती है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो आई वॉज वर्किंग देयर एज अ बिजनेस एनालिस्ट। और उजैर ने अपनी प्रोफाइल को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराया है, ऑब्वियसली जो उजैर का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो है कि वो खुद प्रैक्टिकली काम कर रहा है फील्ड में, तो जो फील्ड में काम करता है वो वही चीज सिखाता है जो एक्चुअल फील्ड में काम आने वाली है। और जैसे बिल्कुल हमारे पार्टिसिपेंट थे यहाँ पे, उन्होंने भी सही यहाँ पे कहा कि ये वो चीजें जो कि मैनेजमेंट लेवल पे रिक्वायरमेंट है जिसकी, वो वही बता सकेगा जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहा है। उजैर इसके ग्रेजुएट भी किया हुआ है इन्होंने इसी फील्ड में, और आगे काम भी इसी फील्ड में कर रहे हैं, तो दैट इज वाउ ही बिकम्स एसेट। अलहमदुल्ला यहाँ पे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है कि हम जो है वो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग पार्टनर्स रहे हैं पिछले 3 साल से। 2022 में भी हमारा MOU हुआ था, 2023 में भी हमारा MOU हुआ था, और इस साल 2024 में फिर से MOU हुआ है जिसमें हम गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं, विच मीन्स कि हमारे लिंकेजेस विद द गवर्नमेंट काफी अलहमदा स्ट्रांग है, जहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग जो है वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स के, और आपको पता है कि जब वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म के थ्रू और फेडरल मिनिस्ट्रीज के थ्रू ट्रेनिंग हो रही होती है तो उनके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको अप्लाई करना होता है, तो अलहमदा हम सारे वो स्टैंडर्ड्स फुलफिल करते हैं इन टर्म्स ऑफ दी रिक्वायरमेंट्स, जो ट्रेनिंग कराने के लिए इक्विपमेंट्स हैं, जगह है, एवरीथिंग। तो ये जो है वो एक माशाल्लाह, तो आप एक ऐसे इदारे से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी उन कंट्री लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे फिजिकल ऑडियंस की बहुत ही अच्छी तादाद आई हुई है। मैं चाहता तो आपको ऑनलाइन ऑडियंस में दिखाता भी सही, बट ये पिक्चर्स हमारी ऑनलाइन ऑडियंस के लिए भी हैं कि ये हमारे सारे IT लैब्स हैं जहाँ पे जो है वो पिक्चर्स ऑफ द जो कंप्यूटर्स हैं जिन पे आप आके प्रैक्टिस करते करेंगे, या एयर कंडीशनिंग प्रोजेक्टर्स, हर सहूलत आपको दी गई है, CCTV कैमराज हैं सिक्योरिटी वाइज। तो मकसद कहने का ये कि जो हमारे वो ऑडियंस जो कि कराची में बैठे हुए हैं लेकिन ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं अभी इस डेमो को, तो वो नेक्स्ट वीक से हमारे पास फिजिकल ऑन कैंपस भी आ सकते हैं, क्योंकि फिजिकल ऑन कैंपस में आपके लिए बहुत सारी सहूलियात रखी हुई हैं। हाँ, ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है इसके साथ साथ कि आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, जो आउटसाइड कराची है वो ऑनलाइन आ जाए जूम के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू। अच्छा, ये फर्दर हमारे कुछ लैब्स के ही पिक्चर्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और जो है वो ये हमारे कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं जो कि हम डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट गवर्नमेंट्स में हम ये ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं। ये हमारा हम रिसेंटली KPMG में एक वर्कशॉप हुआ था, उसकी पिक्चर है। उसके अलावा जो है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन में भी हमारी ट्रेनिंग हुई थी अभी कंपनी से रिलेटेड। तो मकसद कहने का ये है कि हम रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे भी ऑफर कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट में, नहीं तो कॉर्पोरेट इन हाउस ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं।
अगर आप में से कोई ऐसी कंपनी है जो कि अपनी कंपनी में अगर ट्रेनिंग करवाना चाहती है तो वी आर अवेलेबल फॉर दैट एज वेल, नहीं तो ये रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो अवेलेबल है ही। ये जो है वो फर्दर हमारे सेशंस की कुछ पिक्चर्स हैं, और जो है वो ये LMS का एक्सेस है। आपको जो है वो जब ट्रेनिंग में आप साइन अप करेंगे, रजिस्टर होंगे, तो आपको एक कस्टमाइज LMS का एक्सेस दे दिया जाएगा जिसमें आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके इन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स का जो एक्सेस है आपको 12 मंथ्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास एम्पल टाइम हो कि उस सेशन की जो प्रैक्टिस है उसको रिव्यू करना है। बाजू का चीजें बंदा भूल भी जाता है तो उसको रिव्यू करके उसको एक अच्छे प्रैक्टिस में लेकर आए, तो उसके लिए आपको फैसिलिटेट फर्दर कर दिया गया है। हाँ, ये एक नई चीज हमने ऐड की है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं पहले लैपटॉप के थ्रू या ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया जाता था या कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस किया जाता था, अब ये रिकॉर्डिंग्स मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल। तो मे बी आप अगर इस्लामाबाद से कराची ट्रेवल कर रहे हैं या मे बी यूर ट्रेवलिंग टू न्यूयॉर्क, दुबई, यू कैन जस्ट, ऑब्वियसली इंटरनेट होना चाहिए, तो आप ऐप के थ्रू जो है वो रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं ऑन द गो। तो ये एक नई चीज हमने ऐड की है, मोबाइल ऐप के थ्रू भी रिकॉर्डिंग्स एक्सेस हो सकती है। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है और एप्पल पे भी अवेलेबल है, एप्पल स्टोर दोनों मतलब उस पे अवेलेबल है प्रोवाइडर्स पे। ये हमारे कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की पोर्टफोलियोज हैं, जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में भी हमने अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हुई है, गवर्नमेंट में, और प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनीज में ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। और ये जो है वो भी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय IFAUK, नेफटेक, स्टेफटा, TTB, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बोर्ड है, उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है, उसका है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और इसके साथ साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये सारा हमारा कंप्लीट पोर्टफोलियो है। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद सिंपल है कि आपको एक एक यू नो एक तसल्ली हो कि यार मैं जहां पे साइन अप कर रहा हूँ उसका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। ऐसे नहीं है कि मैंने मतलब ट्रेनिंग ले ली और कोई उसका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ये अलहमदुल्ला ओवर द पास्ट 5 ईयर्स ये एक पोर्टफोलियो हमने बिल्डअप किया है, और हम चाहते हैं कि इस पोर्टफोलियो में आपकी भी एक वंडरफुल एडिशन, हम चाहते हैं कि इस एडिशन में नेक्स्ट जब हम डेमो करें तो उसमें आपका ऑलरेडी पूल एडेड हो इसमें, और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता चले। अब जो है वो एक ऐसी मोमेंट आ गई है जिसका जो है वो सबको बहुत ज्यादा इंतजार होता है। होता भी है या नहीं होता ये मैं आप सबसे पहले पूछ तो लूं, स्पेशल ऑफर हो जाए या डबल स्पेशल नहीं? ऑफर होनी चाहिए। अगर आप कहते थे इस पे तो मुझे बड़ा जल्दी से जवाब आना शुरू हो गया है, पहले तो बड़ी खामोशी थी। ये स्पेशल इसलिए तो वो क्या था? जी हो जाए या स्किप कर दूं? ऑनलाइन से कोई जवाब नहीं आ रहा तो फिर मैं स्किप कर देता हूं। नहीं सर, बिल्कुल होनी हाँ चाहिए। स्पेशल नहीं, डबल स्पेशल ऑफर होनी चाहिए। अच्छा, डबल स्पेशल मतलब सिंगल बर्गर नहीं चाहिए, डबल बर्गर चाहिए। हाँ जी चले बिल्कुल है। जी, ठीक है जी। अब देखें बात है साफ सीधी कि आपने अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट किया यहाँ पे, आप जो है वो यहाँ पे आए, तो पहला तो सवाल मेरा आपसे वो जो ओरिजिनल जो मैंने बात की थी कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ, पहली तो चीज ये है। जी वो जो वैल्यू जो थी ना, वो तो एटलीस्ट अब यहाँ तक तो मिल गई है। अब इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो आप और बताएंगे। मतलब देखें आप कह रहे हैं कि डबल वैल्यू दे दें, हाँ एक वैल्यू तो मिल गई, डबल वैल्यू चाहिए अब। चले चले, लेकिन ये बहुत ही हमारे लिए रीअश्योरिंग है कि जाहिर है ये पूरा जो हम सेटअप करते हैं इसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ट्रेनर अपना इनपुट डालता है, हम यहाँ पे UXL इनपुट डालते हैं, और आपके लिए देखिए पूरी मेहनत होती है। और आगे चल के इंशाल्लाह ताला जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा तो उसमें भी आपको लम्हा ब लम्हा ये महसूस होगा कि आपको पर्सनलाइज टच दिया जा रहा है, और आपको एक महसूस हो रहा है कि यू आर अंडर अ केयर जिसमें यू नो यू आर फीलिंग वेरी वार्म, इन अ सेंस कि कोई है जो आपके लिए पूछ रहा है कि यार कैसा रहा ट्रेनिंग, कहाँ पे सीखने को, कहीं पे कोई गैप तो नहीं है, तो हम आपको सर्व करें, बिकॉज वी आर हैप्पी टू सर्व। जितना आप हमारे साथ जितना हम आपको सर्व करेंगे हमें उतनी ज्यादा खुशी होगी, राइट? सो विद दैट ऑब्वियसली नाउ कमिंग टू द मोस्ट ल्यूक्रेटिव पार्ट एंड द मोस्ट डबल स्पेशल पार्ट, तो ऑफर अब रिवील कर दी जाए। एक तो आप फिर से पूछ, जवाब जी नहीं आ रहा बिल्कुल, कह दी जाए। एनर्जी, जी देखें बिल्कुल, जितना जवाब एनर्जी जी, वाला देंगे ऑफर उतनी रिक्वायर्ड है एनर्जेटिक हमें। ऑफर होगी। जी, ऑफर करनी चाहिए। अच्छा चले, ये कर्टेंस हटा दें, कर्टेंस हटा दें।
अच्छा क्वेश्चन उठा चले जी दैट्स ग्रेट ओके सो देयर यू गो द हेयर कम्स द ऑफर फॉर यू ऑल जिस ट्रेनिंग ऑब्वियसली पहले ही बहुत ज्यादा एक था 8,500 पर मंथ और 16,000 फॉर 2 मंथ्स लेकिन आपके लिए क्योंकि आज आप अपना कीमती टाइम निकाल के आज यूएक्सएल के पास आए हैं और आगे अपना रिश्ता एक आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं और आगे इंशाल्लाह ताला हम मजीद इस चीज को लेकर चलें तो आपके लिए आज हमने फर्दर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है। दिस ट्रेनिंग इज जस्ट फॉर 7,820 पर मंथ एंड 14,720। अगर कोई लमसम में पे कर रहा है तो और भी ज्यादा डिस्काउंट है कि 14,720 और इसमें आपको व्हाट यू विल गेट 9 मॉड्यूल्स ऑफ ट्रेनिंग 24 आवर्स की पूरी ट्रेनिंग विच इज ऑफ 2 मंथ्स एवरी आपके संडे क्लास होगी 3 आवर्स की। यू विल गेट LMS रिकॉर्डिंग एक्सेस फॉर 12 मंथ्स और इसके साथ साथ जो जब मैं अपनी प्रोफेशनल जॉब में था जब मैं सैलरी लेता था और मैं जिस चीज को मिस करता था क्या एक व्हाट्सएप लाइव कम्युनिटी सपोर्ट। मैं किससे सवाल पूछूं क्या मैं YouTube पे जाऊं क्या मैं Udemy पे जाऊं क्या मैं Google पे जाऊं क्या करूं। तो हमने यहाँ पे आपके लिए कर दिया कि जो ये 14,720 लमसम या फिर 7820 अगर एक दफा साइन अप कर लेता है तो लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट है। दैट मीन्स हम आगे रिलेशन को लॉन्ग टर्म लेकर जा रहे हैं। हम उस 3 महीने या 2 महीने तक नहीं लेकर आ रहे कि भाई 2 महीने की ट्रेनिंग हुई ओके आप कौन मैं कौन ओके जी अल्लाह हाफिज। नो वी आर हेयर टू बिल्ड रिलेशंस एंड रिलेशंस दैट आर लॉन्ग लास्टिंग फॉर यू ऑल। सो दिस इज द ऑफर फॉर यू और इसके साथ साथ इसी फीस में ही आपका जो सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट से इंडोर्स सर्टिफिकेट होगा जिसकी अलग फीस होती है जो कि हम गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पे करते हैं जब आपका सर्टिफिकेट आता है वो भी इसी पैकेज में ऑलरेडी आपके लिए इंक्लूडेड है। तो ये उसका भी आपको कोई खबर नहीं है कि भाई सर्टिफिकेट की अलग फी होगी या क्या सब कुछ इसमें। हाँ इसके साथ साथ क्योंकि हम यहाँ पे एक रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम टैक्स भी पे करते हैं। हम सिंस सेल्स टैक्स जो है वो SRB के रिटर्न्स भी हमारे जाते हैं वो टैक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू कि आपने एक दफा पेमेंट कर दी और उसके बाद आपकी फिर आगे फोकस पढ़ाई की तरफ है इसकी तरफ फोकस नहीं है कम से कम। एक दफा दे दिया फिर पढ़ाई करते रहो अपना सवाल पूछते रहो सर से गाइडेंस लेते रहो हम आपके लिए अवेलेबल है। दैट्स इट एक कंप्लीट पैकेज दे दो ताकि कोई भी वो चीज ना हो। एडमिशन फॉर्म का लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में और ऑब्वियसली ये जो डबल स्पेशल ऑफर आपके लिए जो की गई है इसका एक लिमिटेड टाइम है 23rd अप्रैल 2024 3 PM को ये ऑफर एंड हो जाएगी। मेक श्योर करें कि इससे पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवाएं और रजिस्टर करने के साथ पेमेंट कर दें ताकि ये ऑफर आपकी लॉक हो जाए उसी वक्त राइट सो दैट यू डोंट मिस दिस ऑफर एंड टेक दिस एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दैट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू टुडे। इसके साथ साथ मैं आपको शेड्यूल शेयर कर देता हूँ इस ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक संडे से स्टार्ट हो जाएगी 28 अप्रैल से 11 AM to 2 PM आपका ये ट्रेनिंग का टाइम रखा गया है हर संडे को सुबह 11 से 2 विच मीन्स कि थोड़ा बहुत नींद की थोड़ा बंदा फ्रेश हुआ और उसके बाद 11 बजे तक ट्रेनिंग पे पहुंच गया और अपनी 11 से 2 ट्रेनिंग थी और उसके बाद फिर बाकी मामला जो भी फैमिली के हैं उसको अटेंड कर लिया। तो एक यूजर फ्रेंडली एक टाइम रखा है स्टूडेंट फ्रेंडली ताकि वो हर कोई अपना अकोमोडेट कर सके इस शेड्यूल को। 24 आवर्स इन 2 मंथ्स में ये ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी और जैसा कि आपको उजैर ने पॉइंट आउट किया कि हम इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए सेशंस दे रहे होंगे असाइनमेंट्स होंगी और प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके बेसिस पर फिर आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारे जो वो एडमिशन फॉर्म का लिंक और पेमेंट बोर्ड्स हैं आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं इजी पैसा जायज कैश इजी पैसा यहाँ पे मेंशन नहीं लेकिन इजी पैसा का भी नंबर है हमारा वो शेयर हो जाएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब हर किस्म की सहूलत आपको दी गई है ताकि आप इजीली उस चीज पे फोकस करें जो कि रियल चंक है वो है पढ़ाई और सीखना। ये चीजें इतना ज्यादा वो ना हो ये ऑटोमेटिकली आपका बस हो जाए दैट्स इट राइट। तो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर सक्सेस स्टोरीज इन फ्यूचर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फ्लोर इज ओपन नाउ फॉर एनी क्वेश्चंस। कोई भी अगर क्वेश्चन है आप वी आर अवेलेबल उजैर इज अवेलेबल ताकि हम आपको फर्दर गाइड कर सकें और आपको हेल्प कर सकें। द फ्लोर इज ओपन एंड द ऑफिशियल टाइमिंग ऑफ दिस डेमो हैज नाउ बीन कंक्लूडेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस एनी क्वेश्चंस एनी क्वेश्चंस अस्सलाम वालेकुम कैन यू हियर मी। जी 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 बताए
अच्छा सर, ये आपने जो ऑफर दिया है, बिकॉज आई आई डिडंट अटेंड इट इन द बिगिनिंग एक्चुअली, तो ये आपके जी कौन से कोर्स का ऑफर है? इज इट फॉर एडवांस एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस? बिकॉज देयर आर कपल ऑफ कोर्सेज ऑन योर वेबसाइट. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सवाल पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट। दिस ऑफर इज अवेलेबल फॉर एडवांस्ड एमएस एक्सेल कोर्स, इंटरमीडिएट टू एडवांस, एडवांस एमएस एक्सेल। Okay, जी and any other details on the other courses like जी financial बिल्कुल, modeling and analysis? आप चैट बॉक्स में अपना जो है वो सेल नंबर लिख लें, और हमारे यहाँ पे टीम मेंबर जो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको सारे कोर्सेज की डिटेल्स भी प्रोवाइड कर लेंगे। जस्ट चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख लीजिएगा प्लीज, या प्राइवेटली आप रिप्लाई कर लें जिस नंबर से मैं उससे कॉल कर रहा हूँ, फरहान ठीक है गाजी, फरहान गाजी होते हैं, उनको प्राइवेटली रिप्लाई कर दें अपना कॉन्टेक्ट नंबर। ऑल ठीक है ठीक है. थैंक यू थैंक यू. राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन जी, आपका एक क्वेश्चन था जी। देखिए स्टैंडर्ड वर्जन यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे पास यहाँ पार्टिकुलर सवाल पूछा है कि जो एक्स की वर्जन हमारे पास देखा है तो 2000 जैसे जी बिल्कुल, जिन्होंने जो है वो आगे एक्शन कम होता है क्योंकि हर फिर नहीं, एक क्वेश्चन का इस तरीके से कर रहे हैं तो एक एक्शन साइड प्लीज। एनी ओके ठीक, व्हिच कंपनी पार्ट है? ओके 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 ओके, वो अप्लाई हुआ है डायनेमिक्स।
आपको अप्लाई करने में थोड़ा सा हेल्प भी कर देगा, मिल जाएगी। वेलकम वेलकम ऑन बोर्ड जी। ओके कौन सी कंपनी में? ओके अमेजिंग वेल डन ओके वेलकम जी। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली अभी ऑनलाइन हैं और जो है वो ऑब्वियसली तो डेमो ऑलरेडी एंड हो चुका है बट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पीपल दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल है
मैं यहाँ पे चाहूंगा कि अगर कुछ पार्टनर अपना अगर इंट्रोडक्शन करवाना चाहें तो इट वुड बी वंडरफुल टू नो कि हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है उसमें से कौन से पार्टनर है जिन्होंने ज्वाइन किया है. मे बी वी कैन स्टार्ट विद राजा इमरान. जी राजा इमरान, आप अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं प्लीज. जी राजा इमरान, आवाज आ रही है मेरी? राजा इमरान जी, जी राजा इमरान, मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल राजा इमरान? और फॉर दैट मैटर मे बी अली फैसल, आप अगर अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहें प्लीज. जी अली फैसल. सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली फैसल है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ जो कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक रखती है। जी और चूंकि मैं फ्रंटिंग पर होता हूँ तो मुझे जो है वो बहुत सारे क्यूरीज जो है वो मतलब मैनेजमेंट को और जो क्लाइंट है दोनों को उस हवाले से अपडेट्स देनी होती हैं, जिसमें हिंडरेंस ये थी कि बीच में थोड़ा सा गैप है। इसी गैप को पूरा करने के लिए जो है वो मैं ये सेशन मैंने मतलब ज्वाइन करने का रहा था कि शायद। All right. नहीं, that's great. Thank you so much for your wonderful introduction. And ये एक बहुत ही अच्छी एक चीज है कि हम जो है वो अपने आप को सीखने के लिए आते हैं. बिकॉज बाज़ूकात ये होता है कि जब हम सीनियर हो जाते हैं तो हमें एक होता है कि यार बहुत सारी चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं, लेकिन ये एक आई थिंक कामयाबी का पहला एक स्टेप है. सीखने को बहुत कुछ है. आप चाहे कितनी भी सीनियर पोजिशन हो रही है. हाँ, ये जो जो इस फील्ड में मतलब जो है सीखने का जिसको शौक है तो वो जब सीखता जाता है बड़ा मेंटली वो इंटेलेक्चुअली ग्रो करता है, लेकिन उस ग्रोथ के साथ उसको लगता है यार इससे भी आगे और जान बहुत पड़ा हुआ है. और जब आपके माइंड में हाँ ये आ जाएगा कि नहीं यार अब तो मैंने बहुत सीख लिया, आप समझे वो पहला घंटा है, पहला वो मिनट है जिसमें आपकी अब फर्दर लर्निंग स्टॉप हो गई. दैट्स इट. So I really congratulate you, Ali Faisal, for taking this great initiative as well. And I really look forward to hearing your success story as well in the coming time, inshallah ta'ala, jaise hamari training start hogi. And iske saath saath, baaki participants bhi hamare paas yahan pe online hain. Kuch hain obviously ab kyunki officially demo hamara end pe hai, to conclude ho chuka hai. To jo hai wo unse bhi hum introduction lein. Lekin ab ye hai ki obviously jo hai wo time almost conclusion ki taraf hai. तो इट्स बेटर के अच्छा राजा इमरान कह रहे हैं सर माइक नहीं है. एक्स एम्प्लॉय ऑफ डीएचए कराची, ओके, रिटायर्ड ऑन 15 अप्रैल एज एन अकाउंटेंट. ओके, ऑलराइट, ओके, सो यू हैव सॉर्ट ऑफ, दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच राजा इमरान फॉर योर वंडरफुल इंट्रोडक्शन. एंड वही है कि सीखने का अमल जो है वो एक थ्रू आउट रहता ही रहता है. ऑब्वियसली राजा इमरान अपना इंट्रोडक्शन इज ऑलरेडी रिटायर्ड बट ही इज स्टिल वॉन्टिंग टू लर्न एंड यू नो इंक्रीज हिज नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह. ऑब्वियसली अब ऑफिशियली टाइम क्लोज हो चुका है और अब हमारी जो जोहर नमाज है उसका भी टाइम हो चुका है. तो वी आर कॉलिंग दिस ऑफिशियल डेमो नाउ ऑफ और इंशाल्लाह ताला इस जज्बे के साथ इस एनर्जी के साथ कि अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह ताला संडे को हमारी सबकी मुलाकात होगी और इंशाल्लाह ताला हम एक सीखने का अमल स्टार्ट करेंगे जिसमें ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हम तो देंगे लेकिन हम आपसे भी सीखेंगे. क्योंकि इट्स ऑलवेज अ टू वे थिंग, इट्स नेवर अ वन वे प्रोसेस. हो सकता है कुछ ऐसी अप्रोच आपकी नहीं होगी जिसमें से हमें सीखने को मिल जाएगा. तो इट्स ऑलवेज उस चीज को एक लेते हुए हम उस स्पिरिट में लेते हुए इन चीजों को आगे लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह ताला टुगेदर वी लर्न एंड ग्रो. इंशाल्लाह ताला अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. फरहान शाहिद काजी फ्रॉम यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म साइनिंग ऑफ राइट नाउ एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू नेक्स्ट वीक संडे एट 11 AM एट यूएक्सएल. लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. Okay.